लास्ट एपिसोड में लूचिंग और फैटी को दिखाया गया था जो कि वेपन क्लास के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही वो लोग अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि उनकी बाकी क्लासेस भी अब स्टार्ट हो चुकी थी। इसी के बाद ही लूचिंग ने इस जगह पर फैटी को बताया था कि वो स्पेयर वेपन क्लास को चूज करेगा। इसी के साथ ही उन लोगों की क्लास में एंट्री होती है। जैसे ही वो लोग क्लास में एंटर होते हैं, लूचिंग को देख कर बाकी के सारे स्टूडेंट इस जगह पर घबराने लग जाते हैं। वापस हमें उसी रेड हेयर वाले लड़के को दिखाते हैं जिसकी पूरी की पूरी बॉडी खाली लूचिंग को देख कर शेक होना स्टार्ट हो जाती है। वो इस जगह पर बताता है जब से इस जगह पर लूचिंग से उसने फाइट करी है तब से उसे ऐसे नाइटमेयर आ रहे हैं जब वो पानी की एक बड़ी लहर के साथ अपने आप को डूबता हुआ देख रहा है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सारी चीजें और कोई नहीं लूचिंग की वजह से हो रही है और वो धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा है। हमें सीन दिखाता है वो तुरंत ही उठ जाता है इस नाइटमेयर को देख कर और काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहने लगता है ये इस जगह पर लूचिंग नहीं है। क्योंकि अगर लूचिंग को किसी दो शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो वो इस जगह पर एक डीमन किंग है। और यही कहने के साथ ही वो शांत हो जाता है और वापस से लूचिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है तो मार्शल आर्ट चैंपियन इस तरीके के होते हैं जिनकी प्रेजेंस इस जगह पर सभी लोगों को डरा देती है। तभी लूचिंग की फर्स्ट क्लास टीचर आ जाती है और हम देखते हैं वो आते ही इस जगह पर अपना नाम बताती है। उसका नाम जू होता है और वो इन लोगों को लेक्चर देने वाली है मॉन्स्टर्स के ऊपर और इसी के साथ ही वो स्टार्ट करती है दूसरी दुनिया से आए मॉन्स्टर्स के बारे में इन लोगों को पढ़ाना। तभी वो टीचर बोलने लगती है आज का जो लेक्चर होने वाला है मेरा वो कोई खास नहीं होने वाला लेकिन ये लेक्चर के जरिए तुम अपनी हिस्ट्री के बारे में सारी की सारी चीजें जानोगे इसीलिए इस लेक्चर को ध्यान से सुनना। तभी वो बताना स्टार्ट करती है जो मॉन्स्टर है जब वो पहली बार अर्थ के ऊपर आए थे तब ह्यूमंस ने इस जगह पर अपनी सारी की सारी बैटल आर्मी और बैटल स्ट्रेटजी को यूज किया था उन्हें मारने के लिए। यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन भी यूज किए गए थे लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हुआ उन मॉन्स्टर्स के ऊपर। कुछ लोग तो इस तरीके की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते क्योंकि उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी फैटी इस जगह पर कहने लगता है इसीलिए मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे कहा था कि मार्शल आर्ट एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम इस जगह पर इन दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर को इजीली डिफीट कर सकते हैं। लूचिंग इसी के बाद ही बोलने लगता है इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता आगे चलकर क्या क्या चीजें होने वाली है। इसी के साथ ही जो टीचर होती है वो बोलने लगती है तुम लोगों को ऐसा लगता है हम लोगों ने इस जगह पर मार्शल आर्ट को चूज किया है लेकिन इस जगह पर ये बात सच नहीं है बल्कि मार्शल आर्ट ने हमें चूज किया है ताकि हम उन मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट कर सके जबकि ये जो मॉन्स्टर है ये इस जगह पर हमारी दुनिया से रिलेट नहीं करते बल्कि ये किसी दूसरे ही डायमेंशन किसी दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आकर हमारी दुनिया को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ह्यूमन है वो लगातार इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन अभी तक सटीक पता नहीं लगाया गया है आखिरकार ये सब कुछ कौन कर रहा है। तभी इस जगह पर एक स्टूडेंट कहती है कि दूसरी दुनिया से आए मॉन्स्टर इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि उनका सामना ह्यूमंस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। टीचर वापस से कहने लगती है तुम इस जगह पर सही कह रही हो लेकिन हमको नहीं पता आखिरकार ह्यूमंस कब तक इन्हें रोक पाएंगे। इसी के बीच में लूचिंग बोल पड़ता है जब तक हम लोग इस जगह पर अपनी मार्शल आर्ट को पीक लेवल तक नहीं ले जाते तब तक हम इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोगों को इस जगह पर इस दुनिया को बचाने के लिए अपने मार्शल आर्ट को पीक लेवल तक ले जाना होगा। अगर हम अपने मार्शल आर्ट को पीक लेवल तक ले गए तो शायद इस दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सकता है। टीचर भी इस जगह पर लूचिंग की बात से एग्री करती है और कहने लगती है आज का लेक्चर इस जगह पर तुम लोगों को कैसा लगा मैंने इस जगह पर सारी की सारी जरूरी चीजों के बारे में तुम्हें बता दिया है। मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को आज का लेक्चर जिसमें मैंने तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में बताया वो समझ में आ गया होगा लेकिन कुछ स्टूडेंट इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं इन सारी चीजों के बारे में जानने के बाद। टीचर कहती है मेरी क्लास इस जगह पर खत्म होती है इसीलिए अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो इन सारी चीजों के बारे में तो तुम मेरे कैबिन में आकर मुझसे इन सारी चीजों के बारे में पूछ सकते हो। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह से जाने लगती और कहती है तुम लोग इस जगह पर काफी इस जगह पर चिंता करने की जरूरत नहीं है आप बस इस जगह पर अपना ख्याल रखें। टीचर लियू ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाती है और कहने लगती है एक नया लड़का जो कि अभी अभी मेरी क्लास में एडमिशन लिया है और उसी के बाद ही वो मुझसे कह रहा है कि इस जगह पर मुझे सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि उसके पास स्पेयर वेपन स्किल में कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा डेडली है जिनसे वो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन ये इस जगह पर बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे भी लूचिंग की स्किल के बारे में पता चल जाता है। वो कहने लगती है इसकी स्किल्स तो काफी ज्यादा डेडली है अब मुझे भी इस जगह पर सीरियस होना होगा वो दोनों ही अब सीरियस फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी लूचिंग इस जगह पर अपनी स्किल को यूज करते हुए टीचर लियू के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए लेकिन टीचर लियू भी उसके पूरे के पूरे अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रही होती है और कहने लगती है ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा है स्पेयर चलाने में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था एक न्यूबी स्टूडेंट मुझे इस तरीके की टक्कर दे सकता है स्पेयर फाइट के अंदर। इसी के साथ ही जो लूचिंग होता है वो तुरंत ही टीचर लियू के स्पेयर को दूर कर देता है टीचर लियू से। ये देखने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं टीचर लियू इस जगह पर एक स्पार मैच में कैसे हार सकती है वो भी एक स्टूडेंट से। इसी के साथ ही टीचर लियू को दिखाते हैं जिसके सीन में कुछ ऐसा हो रहा होता है कि इस जगह पर जो लूचिंग था उसने इस जगह पर टीचर लियू के गले के ऊपर अपने वेपन को रखा था और वो कहने लगता है टीचर लियू आपको इस जगह पर मेरी स्पिरिट कैसी लगी मैं इस जगह पर वेपन चलाने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। इसी के साथ ही टीचर लियू कहने लगती है इस जगह पर जो लूचिंग है वो अपने स्पेयर स्किल में परसेप्शन के भी पार जा चुका है मुझे ऐसा लगता है इसका सामना अब मैं भी नहीं कर सकती वेपन चलाने के मामले में तो लूचिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और ये कहने के साथ ही वो भी शांत हो जाती है और लूचिंग से कहती है मैं इस जगह पर तुम्हें पहले ही दिन अपनी स्पेयर वेपन क्लास से ग्रेजुएट घोषित करती हूँ। इसी
इसी के साथ ही इस जगह पर जितने भी ट्रेनिंग रूम है तुम उनमें से किसी भी ट्रेनिंग रूम को यूज कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। मुझे लगता है इनमें ट्रेनिंग करने के बाद तुम्हारी स्किल और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। ये सुनने के साथ ही कुछ बच्चे रिकॉर्ड करने लगते हैं इन सारी चीजों को ताकि वो स्कूल नेटवर्किंग साइट में डाल सके। जबकि इस जगह पर कुछ लोग डिप्रेस हो चुके होते हैं लुशिंग के इस तरीके के टैलेंट को देखकर। तभी टीचर लियू लुशिंग से कहने लगती है तुम्हें इस जगह पर लगातार अपनी स्पेयर टेक्निक को प्रैक्टिस करते रहना होगा ताकि आने वाले टाइम में तुम अपनी स्पेयर टेक्निक को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सको और इन टेक्निक्स में मास्टर बन सको। लुशिंग बोलने लगता है जरूर इस जगह पर मैं इन सारी चीजों को करूंगा आपके गाइडेंस के लिए थैंक्स। और यही कहने के साथ ही लुशिंग इस जगह से जाने लगता है। टीचर लियू बोलती है मैं तुम्हें इस जगह पर कुछ भी नहीं सिखा सकती, तुम इस जगह पर पहले स्टूडेंट हो जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि मैं भी उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ और मुझे लगता है आने वाले टाइम में तुम मेरे स्पेयर स्किल्स को भी सरपास कर दोगे। और यही कहने के साथ ही वो भी थोड़ा बहुत उदास हो जाती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं फैटी लुशिंग के पास आता है और वो कहने लगता है तो तुम्हारे कहने का ये मतलब था कि तुम ज्यादा टाइम पर इस जगह पर क्लास में नहीं रहोगे और मैं तुम्हें एक दो बार ही देख पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो कहने लगता है तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने पहले ही दिन में क्लास को कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ ही लुशिंग कहता है तुम भी इस जगह पर अपनी क्लास को कंप्लीट करो और इस जगह पर स्पेयर के एक बेहतरीन मास्टर बनो, मैं भी तुम्हें जल्द ही मिलता हूं और तुम्हें भी कुछ स्किल सिखाऊंगा। इसी के साथ ही लुशिंग इस जगह से निकल जाता है नोटिस बोर्ड की तरफ ताकि वो उस जगह पर जाकर कुछ मिशन को चूज कर सके। हमें नोटिस बोर्ड के आसपास का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर काफी सारे स्टूडेंट होते हैं अपने लिए मिशन लेने के लिए ताकि वो कुछ पैसे इकट्ठा कर सके इन मिशन को कंप्लीट करके। इस जगह पर होते तो काफी सारे मिशन है लेकिन हाई रैंक के मिशन को सारे के सारे स्टूडेंट चूज नहीं कर सकते क्योंकि इस जगह पर हाई रैंक के मिशन काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसीलिए लुशिंग भी इस जगह पर हाई रैंक के मिशन की तरफ देखने लगता है और कहता चलो ठीक है अब एक मिशन को चूज किया जाए जो कि इस जगह पर सबसे ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। इसी के साथ ही उसके सामने काफी सारे लेवल ए के मिशन आते हैं और इसी के साथ ही लेवल बी के मिशन भी इस जगह पर मौजूद होते हैं। लुशिंग कहने लगता है मुझे इस जगह पर सबसे ज्यादा टफ मिशन चाहिए लेकिन इस जगह पर बीस्ट मॉन्स्टर से रिलेटेड तो कोई भी मिशन नहीं है, बस इस जगह पर मुझे चोरों को ही पकड़ना है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इन्हीं लोगों को मुझे क्यों पकड़ना है। इसी के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहने लगता है तुम लोग अभी इस जगह पर स्टार्टिंग के स्टूडेंट हो इसीलिए तुम्हें यही मिशन मिलने वाले हैं, अच्छे मिशन के लिए तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा काम करना होगा। लुशिंग वापस से नोटिस बोर्ड की तरफ देखने लगता है और कहता है चलो ठीक है इस जगह पर मुझे एक अच्छा मिशन मिल गया। और इसी के साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए तुरंत ही उस मिशन को अपने पास ले आता है जो कि इस जगह पर डबल ए क्लास का मिशन होता है। ये देखने के साथ ही जो वो बंदा होता है जो कि बैठा हुआ था वो कहने लगता है ये तो एक डबल ए क्लास का मिशन है, चलो ठीक है इसे जहां से उठाया है वहीं पर वापस रख दो वरना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि इस मिशन को तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसी के साथ ही वो कहने लगता है ये लड़का इस जगह पर दिखावा करने की कोशिश कर रहा है और हम देखते हैं लुशिंग भी कहने लगता है हाँ इस जगह पर तुम सही कह रहे हो, ये मिशन मेरे लिए बिल्कुल भी इस जगह पर काफी नहीं है। और यही कहने के साथ ही वो दूसरा बंदा हंसने लगता है और कहता है मैंने तो पहले ही कहा था ये मिशन काफी ज्यादा टफ होते हैं और तुम जैसे स्टूडेंट के लिए ये मिशन बिल्कुल भी काफी नहीं है। इसी के साथ ही जो लुशिंग होता है वो काफी सारे डबल ए रैंक के मिशन को निकाल लेता है और कहने लगता है ये सारे के सारे मिशन मुझे चाहिए, क्या इस जगह पर इससे हाई क्लास का कोई मिशन नहीं है। ये सुनने के साथ ही सामने वाला बंदा बोलता है क्या तुम इस जगह पर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो और अगर तुम्हें कोई हाई रैंक का मिशन चाहिए तो इसके लिए अथॉरिटी से बात करनी पड़ती है, तुम्हें इस जगह पर अपने पावर लेवल को शो करना पड़ता है। इसी के साथ ही लुशिंग कहता चलो ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हें वो सारी की सारी चीजें दे देता हूँ जो कि मेरे पास है मेरे पावर लेवल को शो करती है। इसी के साथ ही लुशिंग उस बंदे से बात करने लगता है ताकि वो इस जगह पर बातचीत से मामले को सुलझा सके लेकिन वो बंदा कहने लगता है अगर तुमने इस जगह पर ज्यादा परेशान करने की कोशिश करी मैं अथॉरिटी को इसके बारे में बता दूंगा। तभी लुशिंग इस जगह पर एक टोकन सामने की तरफ फेंकते हुए कहता है इस टोकन को देखो इस जगह पर। जैसे ही वो बंदा उस टोकन को देखता है वो कहने लगता है 6 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट इस जगह पर एक हायर रैंक का मिशन लेने के लिए आया है लेकिन इसके लिए भी ये काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए भी मुझे हायर अथॉरिटी से बात करनी होगी। यही कहने के साथ ही वो हंसने लगता है और कहता है ये चीज इस जगह पर काफी नहीं होगी। तभी लुशिंग बताने लगता है उसने इस जगह पर स्पेयर वेपन क्लास से ग्रेजुएशन हासिल कर ली है लेकिन अभी उसके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है, जल्द ही वो उसको भी दिखा देगा। इसी के साथ ही वो लड़का भी कहने लगता है लेकिन तुम्हें कुछ देर का इंतजार करना होगा या फिर कुछ दिनों होगा जब यहाँ पर सारी की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी मैं तुम्हें वो सारी की सारी चीजें लाकर दे दूंगा और एक हायर रैंक का मिशन भी। लुशिंग कहने लगता है लेकिन मुझे ये सारी की सारी चीजें अभी चाहिए। वो कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर जल्दी से मुझे अपनी आईडी दे दो, मैं इस जगह पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ जिसके बाद मैं सारी की सारी चीजों को खुद ही संभाल लूंगा और 2 या 3 दिन के बाद तुम्हारे पास ए रैंक से भी हाई रैंक का मिशन लेकर आ जाऊंगा। जैसे ही लुशिंग इस जगह पर अपनी आईडी को उसकी तरफ फेंकता है वैसे ही वो इस जगह पर लुशिंग का नाम पड़ता है कि इसका नाम तो लुशिंग है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है पीछे की तरफ चला जाता है और कहने लगता है ये इस जगह पर लुशिंग एक मॉन्स्टर। लुशिंग जब उसको देख रहा होता है वो कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, जल्दी से इस जगह पर मेरी आईडी को लॉगिन करो वरना इस जगह पर कोई और मेरे से पहले हाई रैंक के मिशन को हासिल कर लेगा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये सुनने के साथ ही वो कहता है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने इस जगह पर पहले ही तुम्हारे आईडी के नंबर को देख लिया है, बिल्कुल भी चिंता मत करो जल्दी इस जगह पर तुम्हें मैं कॉल करूंगा और तुम्हें हाई रैंक के मिशन के बारे में बता दूंगा। और वो लुशिंग को उसकी आईडी वापस कर देता है और उसे कहने लगता है अब तुम इस जगह से चले जाओ, जल्दी मेरा तुम्हें कॉल आ जाएगा, तुम इस जगह पर वापस आ जाना अपने मिशन को लेने के लिए। इसी के साथ ही लुशिंग भी इस जगह से जाने लगता है क्योंकि इस जगह पर तो लुशिंग का कुछ भी नहीं होने वाला था। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है इसी टाइम का जिस जगह पर लुशिंग इस जगह पर ये सारी चीजों को कर रहा था।
होता। हम देखते हैं उस जगह पर जो रेड एयर बॉय है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है नाइफ के साथ। अभी इस जगह पर उसका टीचर आ जाता है, वो कहने लगता है तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छे हो, तुमने इस जगह पर खाली 2 घंटे में ही अपनी स्किल्स को काफी ज्यादा अच्छा कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में तुम एक रेयर टैलेंट बनने वाले हो और नाइफ चलाने में मास्टर। इसी के साथ ही कुछ स्टूडेंट बात करने लगते हैं, इसने इस जगह पर पहले भी इस वेपन को चलाया होगा वरना ये इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, ये नामुमकिन है इस जगह पर। इसी के साथ ही वो कहने लगता है मेरे पास इस जगह पर मेटल को कंट्रोल करने की पावर है, इसीलिए इस तरीके की स्किल्स तो मैं अच्छे तरीके से दिखा सकता हूँ, इन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। लुशेंग भले ही इस जगह पर सारी की सारी चीजों में मुझसे अच्छा हो लेकिन हर चीज में मुझसे आगे निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लुशेंग अब मैं इस जगह पर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, वो यही बात कर रहा होता है। इसी के साथ ही जो वो ग्रुप होता है उसके अंदर वो वीडियो भी आ जाती है, सभी लोग इस जगह पर कहने लगते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लुशेंग ने पहले ही दिन ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है स्पेयर वेपन क्लास से। तभी रेड हेयर बॉय के कानों में भी ये बात पड़ती है, जैसे ये कानों में उसके बात पड़ती है वैसे वो बेहोश हो जाते हैं और कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, लुशेंग मुझे किसी भी चीज में आगे नहीं निकलने दे रहा, वो मुझसे आगे निकल जा रहा है, टीचर आखिरकार ये क्या हो रहा है, मुझे इस जगह पर इतनी ज्यादा डिप्रेस फीलिंग क्यों आ रही है। इसी के साथ ही युक्शवान का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर जो सीनियर स्टूडेंट है उनकी रैंकिंग में टॉप 1 पर आता है और इसी के साथ ही अपने वेपन को प्रैक्टिस करते हुए बोलने लगता है मैं इस जगह पर अपने वेपन को चलाने में पहले से ज्यादा आगे हो चुका हूँ और इसी के साथ ही मैं पहले से भी ज्यादा अच्छा हो चुका हूँ। इसी के साथ ही एक लड़की जो कि उसकी दोस्त होती है वो कहने लगती है तुम तो इस जगह पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें इस जगह पर अपने मार्शल आर्ट लेवल को भी जल्दी से अप करना चाहिए, मार्शल मास्टर में आने के बाद तुम जल्दी से सेंट मार्शल रैंकिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि हमारी एकेडमी के टॉप रैंकिंग स्टूडेंट की रैंकिंग है, उसमें आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। युक्शवान कहने लगता है मैं पहले से ही उसमें 10th रैंक पर आ सकता हूँ लेकिन इसमें भी मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसमें काफी सारे मार्शल मास्टर हैं और उन सभी के लेवल्स का सामना करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं अपने वेपन मास्टरी को परसेप्शन के पार ले जाना चाहता हूँ, इसी के साथ ही मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। इसी के साथ ही वो कहने लगती है मैंने इस जगह पर पहले ही एक लड़के के बारे में सुना है जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल, ये सुनने के साथ ही युक्शवान कहने लगता है हाँ मैंने भी उस लड़के के बारे में सुना है, तुम शायद सोल्यूशन के बारे में बात कर रही हो, जिसने टीचर लियू को भी डिफीट किया और इसी के साथ ही टीचर लियू की क्लास से ग्रेजुएट भी हो गया, ये सुनने के साथ ही वो भी कहने लगती है हाँ वो भी इस जगह पर एक जीनियस है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में तुम दोनों की इस जगह पर बराबरी की टक्कर रहेगी, ये सुनने के साथ ही युक्शवान बोलने लगता है नहीं वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो एक कीड़ा है मेरे सामने बस। लेकिन वो लड़की युक्शवान से कहती है तुम्हें उस लड़के को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, देखो इस जगह पर वो टीचर लियू से किस तरीके से फाइट कर रहा है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है टीचर लियू उसके ऊपर काफी ज्यादा आसान रही होंगी, लेकिन युक्शवान उस फाइटिंग को देखते हुए कहता है टीचर लियू उसके ऊपर बिल्कुल भी आसान नहीं थी, अगर वो आसान भी होती तब भी इस फाइट को वही लड़का जीता क्योंकि वो लड़का इस जगह पर अपनी वेपन स्किल को परसेप्शन के पार ले जा चुका है, जहां तक मैं जाना चाहता हूँ वो वहां तक पहले ही पहुंच चुका है, इसीलिए उसके बारे में भूल जाओ, वो टीचर लियू से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है क्योंकि टीचर लियू इस टाइम पर अपनी वेपन स्किल को परसेप्शन के खाली लो ग्रेड पर ही ले जा पाई है लेकिन वो परसेप्शन के हाई ग्रेड पर है, इसीलिए उसके बारे में भूल जाओ। वो लड़की कहने लगती है क्या तुम्हें भी अब इस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये तुम्हें टक्कर देगा, लेकिन युक्शवान बोलता है नहीं इस जगह पर इससे मुझे कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि मेरी जो रैंकिंग है वो टॉप 1 है और इसको मेरे तक पहुंचने में काफी लंबा टाइम लगने वाला है, इसीलिए मैं भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा बल्कि मैं तो सेंट मार्शल रैंकिंग के बारे में सोच रहा हूँ, उसमें मैं किस तरीके से अपनी जगह को बना सकता हूँ। लुशेंग इस जगह पर मुझे लगता है तुम भी इस जगह पर सेंट मार्शल रैंकिंग में आने की कोशिश करोगे। सीन शिफ्ट होता है लुशेंग के घर के बाहर का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर कुछ लोग आकर रुक जाते हैं, वो उसके लिए एक वेपन को लेकर आए होते हैं जो कि इतना ज्यादा हैवी होता है कि उनके लिए भी इस वेपन को उठाना काफी ज्यादा मुश्किल था। लुशेंग कहने लगता है ये इस जगह पर मेरे लिए भेजा गया, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो लोग उस वेपन को सही तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, लुशेंग भी बोलने लगता है ये वेपन इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है मुझे। इसी के साथ ही वो उस वेपन को बाहर निकाल लेता है उस बॉक्स के अंदर से, वो इस जगह पर एक स्पेयर होता है जो कि इस जगह पर क्रिम्सन क्रिस्टल स्पेयर है। ये लोग इस वेपन के बारे में काफी सारी चीजें लुशेंग को बताते हैं कि ये काफी ज्यादा महंगा है और इसी के साथ ही इसके ऊपर काफी सारे महंगे मटेरियल भी इसके ऊपर लगाए गए हैं। लुशेंग भी ये सुनने के बाद खुश हो जाता है और कहने लगता है ये वेपन तो काफी ज्यादा कूल है, क्रिम्सन क्रिस्टल स्पेयर ये मेरे लिए आगे चलकर काफी ज्यादा काम आने वाला है। वो उन लोगों से कहता है जिसने भी ये मेरे लिए भेजा है उसे इस जगह पर थैंक्स कहना, जिसके बाद वो लोग इस जगह से जाने के बारे में कहते हैं। इसी के साथ ही वो लोग अपनी गाड़ी को लेकर इस जगह से जाने लगते हैं। तभी लुशेंग अपने मन में कहता है मैंने इस जगह पर जो वेलकरी थी उसके मन में स्पिरिट वेपन के बारे में सुना था, जिनको इस जगह पर हम लोग अपनी स्पिरिट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पर इसके साथ स्पिरिट कॉन्टेक्ट बनाने के लिए मुझे एक टेक्निक को परफॉर्म करना होगा, इसको मुझे इस जगह पर काफी सारे ब्लड को देना होगा जो कि इस जगह पर ह्यूमन का ब्लड नहीं बल्कि मॉन्स्टर का ब्लड है, और इस जगह पर मुझे मेरे सारे के सारे दुश्मन का ब्लड इसके ऊपर डालना होगा ताकि मैं उस टेक्निक को परफॉर्म कर सकूं, लेकिन सबसे पहले मुझे इसके साथ अपने कनेक्शन को बढ़िया करना होगा, यानी कि इस वेपन को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा कि इसके साथ मेरे तालमेल काफी ज्यादा अच्छे बैठ जाएं। और इसी के साथ लुशेंग भी अब अपने वेपन की पावर को यूज करने लगता है, जैसे इस जगह पर वो अपनी वेपन की पावर को यूज करता है चारों तरफ इस जगह पर फायर ही फायर होती है। लुशेंग अब बोलने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में मुझे स्पेयर टेक्निक में कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो इस बारे में सोच ही रहा होता है। इसी के साथ ही वो उदास हो जाता है और बोलने लगता है चलो ठीक है अब मुझे खाना खाने के लिए जाना चाहिए। इसी के बाद खाना खाने के बाद वो तुरंत ही आ जाता है।
मार्शल शेन टावर में जहां पर जाकर वो कल्टीवेट कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ी लाइन को देखने के बाद लूशिंग भी पहली बार डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि लूशिंग ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इतने सारे स्टूडेंट इस जगह पर आए होंगे इस जगह पर कल्टीवेट करने के लिए। वो रिसेप्शन में जाके बात करता है तो वो बताती है खाली 30 फ्लोर है इस जगह पर और 30 के 30 फ्लोर पर कोई कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन अभी इस जगह पर तुम्हारा नंबर बिल्कुल भी नहीं आने वाला, काफी सारे लोग इस जगह पर लाइन में लगे हुए हैं, तुम्हारा नंबर इस जगह पर लगभग 3 से 4 दिन बाद आएगा, इसीलिए तभी तुम्हें इस जगह पर आना चाहिए, तब तक तुम अपना नंबर इस जगह पर लिखवा दो, जैसे ही तुम्हारा नाम आ जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। लूशिंग बोलने लगता है लेकिन मुझे तो इस जगह पर पहले जाने देना चाहिए क्योंकि मैं इस जगह पर मार्शल शेन एकेडमी का डिसिपल हूँ। तभी वो इस जगह पर सारी की सारी चीजों के बारे में बताती है, इस जगह पर जितने भी लोग आए हुए जो कि पहले जाने वाले वो भी मार्शल शेन एकेडमी के डिसिपल है। इसी के साथ ही वो लड़की कहती है चलो ठीक है अब तुम इस जगह से जा सकते हो, लूशिंग भी बोलता है ठीक है, जैसे इस जगह पर मेरा नंबर आए मुझे कॉल कर देना, वो भी बोलने लगती है कॉल आते ही इस जगह पर तुम्हें आना होगा वरना इस जगह पर तुम्हारी सीट को भी कोई और ले जाएगा। लूशिंग भी इसी बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है इस जगह पर काफी सारे लोग आते कल्टीवेट करने के लिए, इसीलिए मुझे इस जगह पर नहीं जाना चाहिए बल्कि वेपन क्लास के ट्रेनिंग रूम में जाना चाहिए, उस जगह पर ट्रेनिंग करने पर मैं अपने वेपन के साथ तालमेल को और ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। इसी बारे में बात करके लूशिंग तुरंत ही इस जगह से निकल जाता है वेपन ट्रेनिंग रूम की तरफ ताकि वो उस जगह पर अपने वेपन के साथ मास्टरी हासिल कर सके, और वो यही बारे में बात करते हुए खुश होने लगता है और कहता है चलो ठीक है अब वेपन को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से यूज करने का टाइम आ चुका है, और ये कहने के साथ ही वो खुश हो जाता है क्योंकि एक जगह पर टाइम नहीं मिला तो क्या हुआ, दूसरी जगह पर तो उसे मौका जरूर मिलेगा। जैसे ही वो उस जगह पर आता है एक रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है इस जगह पर भी सारे के सारे रूम फुल हो चुके हैं। लूशिंग ये सुनते ही डिप्रेस हो जाता है और बोलने लगते हैं आखिरकार इतने सारे स्टूडेंट कहां से आ गए मार्शल शेन एकेडमी के अंदर, इस जगह पर तो काफी कम ही स्टूडेंट है और इतने सारे स्टूडेंट आ गए और उसके बाद इन लोगों ने इस जगह पर रूम भी बुक कर लिए, शायद से आज का दिन मेरे लिए काफी ज्यादा बेकार है, आज तो मेरे लिए मुश्किलों से भरा दिन है, मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो रिसेप्शनिस्ट उसे वापस बुलाती है और कहने लगती है अभी अभी इस जगह पर एक सीट खाली हुई है, तुम्हें उस जगह पर चले जाना चाहिए उस रूम के अंदर, मैं तुम्हें इस जगह पर रूममेट की दे दे रही हूँ, उस जगह पर जल्दी जाओ और जाकर अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो वरना कोई और तुम्हारे रूम को हथिया लेगा। लूशिंग जैसे ही इस बात को सुनता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है थैंक्स इतनी सारी चीजों के लिए। वो रिसेप्शनिस्ट भी बोलती है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस जगह पर तुम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मुझसे बात कर रहे थे इसीलिए मैं तुम्हें उस जगह पर जाने दूंगी, और वो लूशिंग को बाकी सारी चीजों के बारे में भी बता देती है कि उसके पास खाली 3 घंटे का टाइम है, और जिसके बाद वो लूशिंग की तरफ देखने लगती है और कहती है ये तो इस जगह पर एक जीनियस है जिसके अंदर काफी ज्यादा घमंड होना चाहिए, जैसे कि लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये काफी ज्यादा बुरा है एक डीमन की तरह, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी किसी डीमन की तरह नहीं लग रहा। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है लूशिंग के रूम का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर आने के बाद ही वो अपने स्पेयर को बॉक्स से निकालकर जोड़ना स्टार्ट कर देता है और उसका स्पेयर भी इस जगह पर एक एक कर अपने सारे के सारे पार्ट को जोड़ लेता है। लूशिंग बोलने लगता है ये स्पेयर काफी ज्यादा अच्छा है, इसे मैं एक छोटे से बॉक्स में भी कैरी कर सकता हूँ, और इसी के साथ ही वो अपने स्पेयर को इस जगह पर तैयार करके कहने लगता है चलो ठीक है अब लेवल 1 को यूज किया जाए। आखिरकार ट्रेनिंग रूम में आने के बाद ट्रेनिंग तो स्टार्ट करनी ही है, वो सबसे पहले अपने ट्रेनिंग रूम के नंबर को देखता है जो कि इस जगह पर रूम नंबर 8 होता है, और इसी के साथ ही लूशिंग बोलने लगता है चलो ठीक है अब इस जगह पर मुझे हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है वो अंदर आने के बाद सारी चीजों को एनालाइज करते हुए बोलता है ये जो चीजें हैं ये तो इस जगह पर जीनियस ट्रेनिंग कैंप से सिमिलर है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इस टाइम पर मैं मूवमेंट का टेस्ट देने वाला हूं, लेकिन ये मूवमेंट टेस्ट नहीं बल्कि एक वेपन टेस्ट है, आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा इस जगह पर मुझे क्या करना है। इसी के साथ ही उसे एक इंस्ट्रक्टर या फिर कह लो एक आवाज उसे ऑर्डर देती है, और इसी के साथ ही लूशिंग उस जगह पर एक बटन को प्रेस करता है, उसी के साथ ही उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन आ जाती है जो कि उसको इस जगह पर उसके रिजल्ट के बारे में बताने लगती है, और तुरंत ही लूशिंग भी तैयार हो जाता है अपने वेपन के साथ और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, और उसके ये करते ही इस जगह पर जो काफी सारी आयरन बॉल्स होती है वो लूशिंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है लूशिंग के ऊपर हमला करने के लिए। लूशिंग तो ये देखकर ही हैरान हो जाता है और बोलने लगता है ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा ब्रूटली मेरी तरफ आ रही है, और इसी के साथ ही लूशिंग भी हमला करना स्टार्ट कर देता है। लूशिंग को इस जगह पर पहले ही पता चल जा रहा था उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से, और लूशिंग इस जगह पर आयरन बॉल्स को काफी ज्यादा आसानी से कट कर ले रहा होता है। लूशिंग कहने लगता है ये चीज तो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है, ये बिल्कुल भी इतनी ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन तुरंत ही इस जगह पर आयरन बॉल आना रुक जाती है। ये देखने के बाद तो लूशिंग भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है इस जगह पर क्या उशी हुआ है जिस वजह से ये सारी चीजें रुक गई है। इसी के साथ ही सिस्टम स्क्रीन पर उसे बताया जाता है कि वो अपनी फिजिकल एबिलिटी के अलावा और किसी भी चीज को यूज नहीं कर सकता इस जगह पर, अगर किसी भी और चीज को यूज करने की कोशिश करेगा तो उसे इस जगह पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो इस जगह पर आगे की ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ये देखने के साथ ही लूशिंग हैरान हो जाता है और कहने लगता है यानी कि इसी वजह से ये ट्रेनिंग रूम इतना ज्यादा पावरफुल और काम करने वाला है क्योंकि इस जगह पर हम किसी भी और टेक्निक को यूज नहीं कर सकते, इसीलिए लूशिंग भी अब इसके लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है ठीक है मुझे इस रूल के बारे में पहले नहीं पता था, और इसी के साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गायब कर देता है और अब उसे अपनी रॉ स्ट्रेंथ को यूज करना था इस वेपन के साथ, और अपने वेपन को यूज करते हुए इस जगह पर सारे के सारे टास्क को कंप्लीट करना था। और जैसे ही इस जगह पर लूशिंग इस टेस्ट को स्टार्ट करता है वैसे ही काफी सारी आयरन बॉल्स काफी ज्यादा तेजी से लूशिंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है जिस वजह से लूशिंग की हालत भी खराब होने लगती है। लूशिंग कहता है ये तो मेरे लिए धीरे धीरे कर और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है, इसी तरीके से चलता रहा तो मेरे लिए
जो ये टेस्ट है इसको पूरे तरीके से कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लुशिंग की जगह पर सारी के सारे एयरन बॉल्स को तो कट कर ही रहा होता है, लेकिन उसको धीरे धीरे करके काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है और पहली बार लुशिंग को इतनी ज्यादा थकान महसूस हो रही थी किसी ट्रेनिंग टेस्ट को देने की वजह से। लेकिन अब तक लुशिंग भी समझ चुका था अगर उसे इस जगह पर अपने स्पेयर सेंस को एक्टिवेट करना है तो उसे सबसे पहले इस जगह पर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो लगातार इस जगह पर मेहनत करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसी के साथ ही काफी सारे आयरन बॉल्स और भी ज्यादा तेजी से लुशिंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लुशिंग भी इसके लिए तैयार था इस जगह पर, इसीलिए लुशिंग भी कहने लगता है चलो ठीक है अब जो कुछ भी इस जगह पर होने वाला है वो सारी चीजें देखी जाएंगी। और इसी के साथ ही वो भी अपनी स्पेयर का यूज करते हुए सारी की सारी आयरन बॉल्स को कट कर देता है। लेकिन इसी के साथ ही अब दूसरी बॉल्स इस जगह पर आने लगती है जो कि वुड की होती है। लुशिंग इस जगह पर इस ट्रेनिंग टेस्ट को स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता, लेकिन फिर भी वो इस जगह पर अपनी पूरी मेहनत करके सारी की सारी वुड बॉल्स को भी इस जगह पर काट रहा होता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ट्रेनिंग में आयरन बॉल के बाद वुड बॉल को क्यों रखा गया है, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा कमजोर होती है। लेकिन तभी उसे समझ में आता है कि ये बॉल इस जगह पर बाउंस करती है, जैसे ही एक भी बॉल लुशिंग की बॉडी को टच कर लेगी वैसे ही इस जगह पर लुशिंग का ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। हम देखते हैं लुशिंग इस जगह पर सारी की सारी चीजों को एनालाइज करते हुए सारी की सारी जगहों पर करेक्ट स्ट्राइक लगा रहा होता है। वो इस जगह पर अपने वेपन सेंस को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके लिए उसे अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लुशिंग कहने लगता है जो मेरी मूवमेंट स्पीड है उसे और ज्यादा फास्ट होने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं अपने वेपन के साथ काफी ज्यादा कमजोर रह जाऊंगा, क्योंकि इस टाइम पर मेरी जो वेपन स्ट्रेंथ है वो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ की दोगुनी है और मुझे इसे और भी ज्यादा फास्ट करना है। और हम देखते हैं लुशिंग को जो कि अलग अलग जगहों पर अटैक कर रहा होता है, और इसी के साथ ही अब विंग्स भी आ जाते हैं इस जगह पर जो कि लुशिंग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। ये फायर विंग्स इस जगह पर लुशिंग के ऊपर एक बार अटैक में ही लुशिंग की पूरी बॉडी को जलाकर राख कर देंगे। इसी के साथ ही लुशिंग अब अपनी सबसे फास्ट मूवमेंट स्पीड को यूज करता है। वो इस जगह पर लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करते हुए काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर मूवमेंट करते हुए सारे के सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है, और थोड़ी ही देर में लुशिंग का अटैक इस जगह पर कंप्लीट होने वाला था। लुशिंग कहता है चलो ठीक है इसे इस जगह पर और भी ज्यादा सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लुशिंग अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो इस जगह पर इन सभी चीजों को कर सके। इसीलिए वो वापस इस जगह पर अपने स्पेयर का यूज करते हुए सारी की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करना वापस से स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है चलो ठीक है अब इनको इस जगह पर खत्म करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं लुशिंग की बॉडी के चारों तरफ काफी सारे विंग्स होते हैं जो कि इस जगह पर लुशिंग की बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में उसकी मदद कर रहे होते हैं। हम देखते हैं लुशिंग की बॉडी इस जगह पर फायर के साथ कॉन्टेक्ट में आते ही ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, और लुशिंग बोलता है मुझे इस जगह पर अपनी विल को समझना होगा और विल को समझते हुए अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना होगा। थोड़ी देर बाद ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। लुशिंग बोलता है क्या और अब इस जगह पर टेस्ट नहीं होने वाला, मैंने सारे के सारे लेवल्स को कंप्लीट कर लिया, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था मैं इस जगह पर सारे के सारे लेवल्स को कंप्लीट कर पाऊंगा। लुशिंग इसी बारे में बात कर रहा होता है, सामने की वॉल की तरफ देखता है, उसे पता चलता है उसने इस जगह पर सारे के सारे टेस्ट को कंप्लीट कर लिया और अब वो इस जगह पर एक चैंपियन बन चुका है, क्योंकि लुशिंग से पहले इतनी जल्दी किसी भी नए स्टूडेंट ने इस टास्क को कंप्लीट नहीं किया था। इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये मेरे पावर लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं लगातार इस जगह पर प्रैक्टिस करता रहूं तो मेरी स्किल और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी, मैं अपने स्पेयर को एक स्प्रिट वेपन बनाने में कामयाब रहूंगा। और इसी की तरह वो बोलने लगता है चलो ठीक है अब रोज इस जगह पर आएंगे रोज प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जिस दिन मुझे ऐसा लगने लगा कि अब इस जगह पर आने के बाद भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा उसके बाद मैं कभी भी इस जगह पर नहीं आऊंगा, लेकिन लुशिंग ने इस जगह पर अपने 3 घंटे भी कंप्लीट कर लिए थे इसीलिए अब उसे इस जगह से जाना होगा। इसी के साथ ही फाइनल सिस्टम विंडो लुशिंग के सामने आती है जिसमें क्या लिखा होता है इसके बारे में तो ज्यादा नहीं बताया जाता। लुशिंग उसे रीड करने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने इस रूम के सारे टास्क को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन लुशिंग को अभी भी ऐसा लग रहा था इस जगह पर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसे इस जगह पर अभी भी छुपा के रखा है। लेकिन जैसे ही उसे इस बारे में पता चलता है वो अपने बॉक्स में वेपन को रखने के बाद इस जगह से निकलने लगता है। रूम नंबर 8 से वो बाहर निकलने लगता है और अब इस जगह पर इस रूम में कोई और आएगा, तभी इस जगह पर मैं बाहर का सीन दिखाते एक लड़की का जो कि चिल्ला रही होती है असिस्टेंट के ऊपर और कहने लगती है मैं लगभग 3 दिन से इस जगह पर आ रही हूँ और तीनों दिन मुझे यही सुनने को मिला है कि सारे के सारे रूम फुल है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, सारे के सारे रूम फुल कैसे हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे साथ इस जगह पर भेदभाव करने की कोशिश कर रही हो। और वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन तभी उसे दिखता है इस जगह पर एक रूम खाली हो चुका है जो कि लुशिंग का होता है। वो कहने लगती है मुझे उस रूम के अंदर जाना है। लुशिंग भी बाहर आने के बाद इस जगह से निकल जाता है शांति से, क्योंकि वो इस जगह पर कोई भी बहस नहीं करना चाहता था, वो पहले काफी ज्यादा थक चुका था। इसी के साथ ही वो असिस्टेंट बोलती है चलो ठीक है इस जगह पर आज का तो तुम्हारा काम हो गया, अब तुम उस जगह पर जाकर ट्रेनिंग कर सकती हो और अपनी वेपन बिल को समझने की कोशिश कर सकती हो। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है आज काफी ज्यादा अमेजिंग है, लगभग 3 दिनों के बाद मुझे चांस मिला है वेपन रूम में जाने का। वो काफी ज्यादा खुश होती है, तुरंत ही उस जगह पर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो इस जगह पर रूम नंबर 8 के अंदर आती है, रूम नंबर 8 के अंदर आने के बाद वो अंदर के हाल को देखकर बोलने लगती है आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ था, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस जगह पर एक तूफान आया था। हम देखते हैं इस जगह पर काफी सारा कूड़ा करकट फैला होता है जैसे कि सारी की सारी गंदगी लुशिंग ने इस जगह पर लाकर फेंक दी। वो कहने लगती है वो लड़का इस जगह पर क्या कर रहा था जिस वजह से इतनी ज्यादा गंदगी क्रिएट हो गई, मुझे तो ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लड़का इस जगह पर कुछ और ही चीजें कर रहा था, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इस जगह पर कैंप फायर जलाकर खाना खा रहा हो। और वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए तभी सामने वाले बोर्ड के ऊपर पंच मारती है, जैसे वो बोर्ड के ऊपर पंच मारती है इस जगह पर एक मैकेनिज्म आ जाता है जो कि इस जगह पर इस जगह की अब साफ सफाई करना स्टार्ट कर देता है। ये
देखने के बाद वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि वो पहली बार इस रूम के अंदर आई हुई है। और हम देखते हैं जो ये मैकेनिज्म होता है ये पूरी की पूरी जगह को साफ करने लगता है, जबकि वो लड़की अभी भी लूशन के बारे में सोच रही होती है और कहने लगती है मुझे उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इस जगह पर खाना पका रहा हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इस जगह पर कोई भी बाहर का सामान को लेकर इस जगह पर नहीं आ सकता, यानी कि ये सब कुछ उसकी ट्रेनिंग के दौरान हुआ है। लेकिन आज से पहले कभी भी इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग किसी ने नहीं करी। क्या इस जगह पर उसने लेवल पांचों के पांचों लेवल को कंप्लीट कर लिया है, तभी इतनी ज्यादा गंदगी हो सकती है? क्योंकि मैंने अपने एक सीनियर ब्रदर को देखा था, उसने भी इसी तरीके से गंदगी मचा के रखी थी अपने रूम के अंदर। तभी वो तुरंत ही अपने साइड वाले बॉक्स को ठोकना पीटना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो उसमें देखना चाहती थी आखिरकार लूशिंग ने इस जगह पर कितने लेवल को कंप्लीट करके रखा है। तभी वो लूशिंग की आईडी देखती है जिसमें इस जगह पर लिखा होता है इस लड़के का नाम लूशिंग है और इसने इस जगह पर पूरे के पूरे टास्क को कंप्लीट कर लिया रूम के। ये देखकर तो ये लड़की हैरानी हो जाती है क्योंकि इसने भी इससे पहले कभी भी इस तरीके के रिकॉर्ड को नहीं देखा होता। वो कहने लगती है वो लड़का तो इस जगह पर सही में एक मॉन्स्टर है, मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में इस तरीके की चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी, वो तो इस जगह पर काफी ज्यादा शांति से बाहर गया था लेकिन उसको देखकर अब ऐसा लग रहा है वो तो इस जगह पर एक रियर जीनियस है, उसके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही उस मशीन के ऊपर कुछ एरर आना स्टार्ट हो जाता है जिस वजह से वो लड़की उस मशीन से दूर हो जाती है और कहने लगती है यानी कि उस लड़के ने इस जगह पर सारे के सारे लेवल्स को कंप्लीट कर लिया है जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है एक न्यूबी के लिए। वो इसी बारे में बात कर रही होती है तब तक ये पूरा का पूरा रूम साफ हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है लूशिंग का जो कि वेपन ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद इस जगह पर वापस से इस जगह पर अपने बनाए गए पोशन को पीना स्टार्ट कर देता है जिससे उसकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहने लगता है मुझे जल्दी से इस जगह पर अपनी स्टार बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक के नेक्स्ट लेवल को अचीव करना होगा जिसके बाद शायद से मैं मार्शल मास्टर बनने के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाऊं क्योंकि इस टाइम पर मैं इस बात के काफी ज्यादा दूर हूं। मैं जल्दी से जल्दी मार्शल मास्टर बनना चाहता हूं ताकि मैं अपनी सिटी की प्रोटेक्शन कर सकूं और इसी के साथ ही ईस्टर्न आर्मी रीजन में भी ज्वाइन कर सकूं। और इसी बारे में वो सोचते हुए अपने हाथ को देखने लगता है। अब उसकी जो हैंड स्किल थी और उसका ब्रूट फोर्स था वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। लूशिंग कहने लगता है चलो ठीक है, जिस तरीके से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं उस तरीके से मैं स्ट्रॉन्ग भी होता जा रहा हूं, मुझे लगता है आने वाले टाइम में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। इसी के साथ ही अब लूशिंग के रूटीन के बारे में बताया जाता है। अब वो इस जगह पर रोज सुबह उठकर ट्रेनिंग करता है, उसकी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको कंडेंस करने की कोशिश करता है जिसके बाद उनकी रोज की क्लासेस होती है और रोज की क्लासेस को इस जगह पर पढ़ने में लूशिंग को काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि इस जगह पर बीस्ट के बारे में मॉन्स्टर्स के बारे में काफी सारी चीजें सुनने को मिलती है जो कि उसे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पता है। इसी के साथ ही वो रोज आ जाता है इस जगह पर मार्शल शेंट हॉल में, जिस जगह पर आने के बाद उसे रोज ऐसा लगता है कि रूम उस जगह पर खाली होगा लेकिन रूम एक भी बार खाली नहीं होता। और इसी के साथ ही वो वापस से चला जाता है वेपन ट्रेनिंग रूम के अंदर जिस जगह पर जाकर वो रोज ट्रेनिंग करता है। और इसी तरीके की ट्रेनिंग करते करते लूशिंग को इस जगह पर एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते से लगातार लूशिंग के साथ इसी तरीके की चीजें हो रही है। इसी के साथ ही लूशिंग को सातवें दिन दिखाया जाता है जो कि वापस से रूम नंबर 8 से बाहर आता है। उस जगह पर अभी भी उसने काफी ज्यादा गंदगी फैला रखी थी। वो कहने लगता है धीरे धीरे करके मेरी स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है, मुझे ऐसा लगता है मुझे जल्दी से जल्दी मार्शल शेंट टावर में जाना होगा। उस जगह पर जाकर अगर मैं कल्टीवेट करता हूँ तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और वो इसी बारे में बात करते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाता है, स्माइल करते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। जबकि हम इसी के साथ ही उसी लड़की को देखते हैं जो कि इस जगह पर अपने साथियों को लेकर इस जगह पर आई होती है और कहने लगती है तुम लोग इस जगह पर पिछली बार मुझे झूठा बोल रहे थे और ये भी कह रहे थे कि जितने भी पिक्चर्स मैंने ली है वो सारी की सारी एडिटेड है, इस जगह पर बेकार है, चलो अब इस जगह पर सारी की सारी चीजों को देखो। वो ये देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं इस जगह पर तो काफी सारा कचरा है, मुझे ऐसा लगता है उसने सही में इस जगह पर सारे के सारे लेवल्स को कंप्लीट कर लिया है लेकिन ये नामुमकिन है। इस जगह पर जो पांच लेवल है उन पांचों के पांचों लेवल को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा हार्ड है, उनको कोई भी इस जगह पर इजिली नहीं कर सकता। कुछ लोग इस जगह पर अब उस मैकेनिज्म में चेक करने लगते हैं लूशिंग के रिकॉर्ड को। तभी वो लड़की कहती है तुम इस जगह पर देख सकते हो, इस जगह पर मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, उस मशीन के अंदर तुम्हें सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। उसने इस जगह पर एक बार पांचों लेवल को कंप्लीट नहीं किया बल्कि इस जगह पर सात दिन से वो लगातार पांचों के पांच लेवल को कंप्लीट कर रहा है। तभी इस जगह पर वो लड़का कहने लगता है हाँ इस जगह पर मुझे विंग्स भी दिखाई दे रहे जो कि इस जगह पर लास्ट लेवल में दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही वो कहने लगता है हमें इन सारी चीजों की फुटेज ले लेनी चाहिए और उसको इस जगह पर जो एकेडमी का मीडिया है उसमें सारी की सारी सर्कुलेट कर लेनी चाहिए, सारे लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा कि हम लोग इस जगह पर सच बोल रहे हैं। वो बोलने लगती है मैंने भी ऐसा किया था इस जगह पर लेकिन सभी लोग इस जगह पर इन सारी चीजों को एडिटेड और फेक बोल रहे थे, अगर इसी तरीके से वो ट्रेनिंग करता रहा तो मुझे ऐसा लगता है वो आगे आने वाले टाइम में अनडिफिटेड हो जाएगा और इस जगह पर सीनियर्स की रैंकिंग को ज्वाइन कर लेगा। सीनियर्स की रैंकिंग को ज्वाइन करने के बाद कोई भी सीनियर ऐसा नहीं होगा जो कि उसे डिफीट कर सके। इसी के साथ ही वो कहने लगता है क्या वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो सीनियर की रैंकिंग में 10th रैंक पर आ सकता है? तभी इस जगह पर वो लड़की वापस से बोलने लगती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता वो 10th रैंकिंग में आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है वो टॉप 5 की रैंकिंग में आ सकता है और मुझे ये नहीं पता कि वो कितना आगे तक जाएगा लेकिन वो टॉप 5 की रैंकिंग में आ सकता है, मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार कितने टाइम तक वो अपनी पावर को इसी तरीके से छिपाने वाला है। जिसके बाद लूशिंग को दिखाते हैं लूशिंग के फोन में एक मैसेज आया होता है मास्टर शेन टावर की तरफ से क्योंकि उस जगह पर एक सीट खाली हो चुकी थी। इसी के साथ ही लूशिंग को अब उस जगह पर बुलाया जा रहा था क्योंकि उसके लिए एक रूम तैयार था। ये सुनने के साथ ही लूशिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है शायद से आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ ही लूशिंग को एक और मैसेज आ जाता है जिसमें उसे एक डबल ए रैंक का मिशन दिया जाता है जिसकी सारी की सारी रिपोर्ट थोड़ी ही देर में उसके पास आ जाएगी और उसको जल्दी से जल्दी इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकलना है। अब लूशिंग इसी बारे में सोच रहा होता है आखिरकार उसे क्या करना है।
तभी वो इस जगह पर कहता है, मैं मार्शल शेन टावर में तो कभी भी जा सकता हूँ, लेकिन इस जगह पर डबल ए रैंक का मिशन मुझे दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाला, इसीलिए मिशन कंप्लीट करने चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, इस जगह पर बताया जाने लगता है मार्शल शेन टावर के बारे में कि हर मार्शल शेन टावर के अंदर मार्शल शेन की विल होती है और इस टावर को इस जगह पर दूसरी एकेडमी वाले चैलेंज भी कर सकते हैं, जो कि इस जगह पर मार्शल शेन एकेडमी से बिलोंग करते हैं, वही इस जगह पर आकर दूसरी मार्शल शेन एकेडमी को चैलेंज कर सकते हैं और उनके टावर को कंप्लीट करके या फिर उनके स्टूडेंट से हाई फ्लोर पर पहुंचकर उनके टावर को एक महीने के लिए या फिर एक साल के लिए छीन लिया जा सकता है। इसी के साथ ही हम रिसेप्शन पर देखते हैं, एक लड़का इस जगह पर आ जाता है चैलेंज देने के लिए। हम देखते हैं जो इस जगह पर रिसेप्शन गर्ल होती है वो कहने लगती है, अभी इस जगह पर कोई भी सीट खाली नहीं है, तुम्हें इस जगह पर एप्लीकेशन देनी होगी सबसे पहले, बाद में तुम्हारा नंबर आ जाएगा। लेकिन जैसी वो इस जगह पर उसकी एप्लीकेशन को पढ़ती है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि इस जगह पर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि जो सेंट रैंकिंग है उस पर 6 नंबर पर है। इसका नाम मियाओ रेनेक्सियान है और इसी के साथ ही ये काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है। वो हंसने लगता है, मुझे जल्दी से जल्दी टावर के अंदर जाना है और उस जगह पर सारे के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना है। इसको भी सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, लूशेंग का सीन दिखाते हैं। लूशेंग जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि इस जगह पर जितने भी स्टूडेंट इस टाइम पर मौजूद है वो सारे के सारे टावर की प्रोटेक्शन करने में लगे हुए हैं, जबकि इस जगह पर लूशेंग कैफे में आकर खाना खा रहा होता है। खाना खाते हुए कहता है, मुझे इस जगह पर मेरे मिशन की सारी डिटेल्स मिल चुकी है, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकलना होगा। लेकिन इसी के साथ ही मुझे दो साथियों को भी दिया गया है जो कि इस जगह पर मेरी मदद करेंगे इस मिशन में, लेकिन उनकी कोई भी जरूरत नहीं थी, वो बस इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, लेकिन वो इस जगह पर मेरे सीनियर है इसीलिए उन लोगों की बात को मुझे मानना होगा। तभी लूशेंग को पता चलता है उसका जो मिशन है उसमें लूशेंग को काफी सारे लोगों को एलिमिनेट करना है, जिसके लिए उसे काफी ज्यादा अच्छे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन इस जगह पर जो माग्युन नाम का इनका लीडर है उसको अगर लूशेंग एलिमिनेट कर देता है तो उस पर इस जगह पर लूशेंग को लगभग 5 गुनी कीमत ज्यादा मिलेगी। जब लूशेंग इस जगह पर इस पूरी की पूरी बाउंटी को ऐड करता है तब उसे पता चलता है इस पूरी की पूरी बाउंटी की रकम 2 बिलियन है। ये सुनने के साथ ही लूशेंग के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसे इस बाउंटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। आखिरकार कौन इंसान है जो कि इतने ज्यादा पैसे दे रहा है इन लोगों को मरवाने के लिए। तभी उसके जो 2 टीममेट्स हैं उसके बारे में भी उसे थोड़ी बहुत रिपोर्ट मिलती है, जिसमें से एक लड़की है जिसका नाम योन है, जबकि दूसरा लड़का इस जगह पर जियाओ फेंग है, और ये दोनों ही इस जगह पर 6 लेवल के मार्शल आर्टिस्ट है और वेपन को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल करना जानते हैं। जबकि लूशेंग इनके बारे में सुनने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इन दोनों से मिलने के लिए और कहता है, चलो ठीक है, अब बाकी का प्लान इन दोनों से मिलने के बाद ही डिस्कस करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है योन का, जो कि इस जगह पर चिल्लाते हुए कहने लगती है, उससे हमने कहा था कि इस जगह पर उसे जल्दी से जल्दी आना होगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। जियाओ फेंग, तुम इस जगह पर किस बारे में सोच रहे हो? और ये लोग इस जगह पर लंबे टाइम से लूशेंग का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लूशेंग अभी तक इस जगह पर नहीं आया था, जिस वजह से ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी हम इस जगह पर जियाओ फेंग को देखते हैं, जो कि इस जगह पर कहने लगता है, मुझे नहीं लगता हमें उसका और इंतजार करना चाहिए। तभी वो इस जगह पर उसको उठा लेती है और कहती है, बास्टर्ड, आखिरकार तू इस जगह पर क्या कर रहा है? अगर तूने दोबारा से ये चीजें इस जगह पर करी मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जियाओ फेंग इस जगह पर बोलने लगता है, वो इस जगह पर नहीं आया इसीलिए मैंने इस जगह पर सोचा कि मैं इन सारी चीजों को भी इस टाइम पर कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं तभी इस जगह पर वो कहती है, हमें उसका वेट करना होगा, वो हमारा साथी है लेकिन एक न्यूबी है, जिस वजह से मैंने उससे कोई भी उम्मीद नहीं लगा रखी कि वो हमारी कोई भी मदद कर पाएगा, इसीलिए इस मिशन को हम ही लोगों को सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा। इसी के साथ जियाओ फेंग बोलता है, हाँ इस जगह पर मेरे ऊपर यकीन रखो, मैं इजीली इस जगह पर उन सभी लोगों को एलिमिनेट कर दूंगा। और जहां तक माग्युन की बात रही, वो इस जगह पर पीक लेवल मार्शल आर्टिस्ट है लेवल 6 का, इसीलिए उससे हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसी के साथ ही जो योन होती है इस जगह से जाने लगती है और कहती है, अब मैं इस जगह पर उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए जा रही हूँ, उस लड़के का वेट मुझे बिल्कुल भी नहीं होता। इसी के साथ ही जो जिया फेंग होता है वो पीछे की तरफ देखने लगता है, पीछे की तरफ से जो लूशेंग होता है वो भी इस जगह पर एंट्री लेता है और कहने लगता है, माफ कर देना मैं इतना ज्यादा लेट हो गया इस जगह पर आने में, लेकिन आखिरकार मैं इस जगह पर पहुंच गया। अब ये लोग इस जगह पर एक टैक्सी को लेते हैं, जिस टैक्सी को यूज करते हुए ये लोग इस जगह से जा रहे होते हैं। लूशेंग उनकी पकाऊ बातों को सुन रहा होता है, क्योंकि वो लूशेंग को कमजोर बता रहे होते हैं और कहने लगते हैं, लूशेंग तुम्हें इस जगह पर हमारे बैकलाइन में काम करना है और हमारे बैकलाइन में काम करते हुए हम लोगों की मदद करनी है, क्योंकि तुम इस जगह पर पहली बार किसी मिशन को अंजाम दे रहे हो और तुमने आज से पहले कभी भी किसी को भी इतने ज्यादा ब्रूटली नहीं मारा होगा जितने ब्रूटली हम लोगों को उस जगह पर किलिंग करनी होगी, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे सीनियर्स हैं इस जगह पर, हम तुम्हारी पूरी की पूरी मदद करेंगे। और थोड़ी ही देर में वो लोग इस जगह पर माग्युन के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जिस जगह पर आने के बाद वो तीनों के तीनों एक प्लान बनाने के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले अंदर की जानकारी को लेंगे, जिसके बाद इस जगह पर वो लोग सभी को मारना स्टार्ट करेंगे। आखिरकार वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन सारी चीजों की जानकारी इन लोगों को चाहिए और कितने ज्यादा लोग हैं इसकी भी। और ये सुनने के साथ ही लूशेंग कहने लगता है, लेकिन हमको इस बारे में सोचना ही क्यों है, हम डायरेक्टली अटैक कर देते हैं और उन सभी को खत्म कर देते हैं। तभी इस जगह पर जियाओ फेंग बोलता है, नहीं ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के बाद ये तीनों के तीनों अपनी मूवमेंट स्पीड को यूज करते हुए काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर में ये एक बड़ी वॉल के पास आ जाते हैं, जिस जगह पर आने के बाद ये सामने की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता बल्कि ऊपर की तरफ और भी काफी ज्यादा सोल्जर्स होते हैं माग्युन के।
तभी जिया फेंग इस जगह पर कहने लगता है, वो लोग ऊपर की तरफ से हम लोगों के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि इस जगह पर कोई आ तो नहीं गया, इसीलिए हम लोगों को सतर्क रहना होगा वरना प्रॉब्लम इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी के साथ ही जो योन होती है वो भी इसी बारे में कह रही होती है अब हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना होगा। जबकि इस जगह पर हम देखते हैं लुशेंग को जो की अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए बिल्डिंग के अंदर क्या चल रहा था इसको देखने की कोशिश करता है। हम देखते हैं उसे इस जगह पर थोड़ी बहुत एनर्जी दिखाई दे रही होती है, एनर्जी के जरिए ही वो उन सभी के लेवल्स के बारे में पता कर रहा होता है। लेकिन तभी इस जगह पर जो योन होती है वो लुशेंग को बाहर निकाल देती है और कहने लगती है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, कभी भी हम लोगों के ऊपर हमला हो सकता है। जिसके बाद लुशेंग काफी ज्यादा गुस्से से योन की तरफ देखता है, जैसे कि वो इस जगह पर उसे मार ही डालेगा। योन भी पीछे की तरफ चली जाती है क्योंकि योन को भी इस चीज से काफी ज्यादा डर लग रहा था। इसी के साथ ही लुशेंग कहता है, तुम लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर कुछ और करने के बारे में सोच रहा हूं। तुम लोगों को भी इस जगह पर जांच पड़ताल जारी रखनी चाहिए क्योंकि अभी हम लोगों को इनके ऊपर हमला करना बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर ये कहने के साथ ही लुशेंग आगे की तरफ चला जाता है, जबकि योन इस जगह पर कह रही होती है, आखिरकार उसे डर क्यों लगा, लुशेंग की आंखों में देखने के बाद आखिरकार वो चीजें क्या थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसी के साथ ही जिया फेंग कहने लगता है कि हमको उसे अकेले जाने देना सही होगा क्योंकि अगर वो अकेले इसी तरीके से जाता है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि लुशेंग को दिखाते हैं, जो लुशेंग होता है वो उन लोगों पर भी नजर रखे हुए था। इसी के साथ ही वो लोग बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते ताकि वो अंदर के नजारे को देख सके, आखिरकार अंदर कितने पावरफुल कल्टीवेटर है। इसी के बाद ही योन और जिया फेंग काफी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और वो लोग इस जगह पर बिल्कुल भी देरी नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्हें इस जगह पर सारे के सारे हाल को देखना था। जिसके बाद ही जब इस जगह पर जिया फेंग ऊपर के नजारे को देखता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। वो बोलने लगता है, अंडर टोटली लेवल 6 के 6 मार्शल आर्टिस्ट है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलर भी है, इन लोगों का सामना करना हम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है पहले से ही ये जो मिशन है इस जगह पर ये एक ऐसे रैंक का मिशन बन चुका है, हम लोगों के लिए इसे कंप्लीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हम अंदर की तरफ देखते हैं, उन लोगों के बीच में भी फाइट चल रही होती है परसेंटेज को लेकर। जिस जगह पर मागियन होता है वो बोलने लगता है, मैंने इस जगह पर सारा का सारा प्लान बनाया है और सारे के सारे इंतजाम भी मैं ही करने वाला हूँ, इसीलिए इस जगह पर मुझे 30% मिलना चाहिए। क्या तुम्हें सही में लगता है कि मुझे इस जगह पर 30% नहीं मिलना चाहिए तो तुम इस जगह पर इसके बारे में कह सकते हो, लेकिन मैं तो इस जगह पर 30% से पीछे अपना प्लान तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और इसी के साथ ही इन लोगों के बीच में बहस होना स्टार्ट हो जाती है, जबकि दूसरा बंदा इस जगह पर कहने लगता है, मागियन अब तुम काफी ज्यादा कर रहे हो, तुम्हें खाली 20% ले लेना चाहिए क्योंकि जो बाकी का हिस्सा है वो काफी सारे लोगों में बटने वाला है, इसीलिए तुम्हें इतना ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, काफी सारे और लोग भी होते हैं जो कि इसी बारे में समझा रहे होते हैं। इसी के साथ ही हम योन और जिया फेंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा डर जाते हैं इस नजारे को देखकर, इतने सारे कल्टीवेटर जो कि इस जगह पर मौजूद हैं। इन सभी को एलिमिनेट करने का मिशन पहले से ही काफी ज्यादा डेडली है और ये काफी ज्यादा खतरनाक भी होने वाला है, इसीलिए वो लोग अब इस जगह से जाने के बारे में सोचते हैं क्योंकि ये एक ऐसे लेवल का मिशन पहले ही बन चुका है। अगर यहाँ पर उन लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया तो उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इस जगह पर किसी कंसाइनमेंट की बात चल रही होती है। इसी के साथ ही ये लोग वापस से पीछे की तरफ आ जाते हैं और आर्मी कैंप से निकलने के बारे में सोचते हैं, जबकि हम देखते हैं कुछ लोग इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं लेकिन वो इनको नहीं देखते और इस जगह पर आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है जो बॉस है वो अपने हिस्से को कम करने वाले हैं? जबकि दूसरा बंदा बोलता है, मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं लगता, लेकिन बॉस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लगता है उन लोगों को इस जगह पर मार डालना चाहिए बॉस ने। यही सुनने के साथ एक और बंदा बोलता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बॉस उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारेंगे क्योंकि कंसाइनमेंट के लिए उन सभी का साथ काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वही लोग हमारे कंसाइनमेंट को उस जगह पर ले जा सकते हैं। ये देखने के बाद तो जिया फेंग कहने लगता है, शायद से इस जगह पर कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है, हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा क्योंकि इन लोगों के पास वेपन्स भी हैं और हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जब इस जगह पर योन और जिया फेंग भाग रहे होते हैं, इसी के साथ ही उन लोगों को याद आती है इन लोगों का एक और साथी यानी कि लुशेंग भी इस जगह पर आया हुआ है, इसीलिए उसके बारे में भी इन लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि लुशेंग तो इन लोगों के साथ नहीं है। तभी ये लोग इस जगह पर आगे जाने के बाद एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं, क्या लुशेंग अभी भी पीछे ही छूट गया है, वो इस जगह पर सही में एक जीनियस है, हम लोगों को उसको बचाने के लिए वापस जाना होगा। और यहाँ पर ये सुनने के साथ ही वो दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, अगर वो इस जगह पर पकड़ा गया होगा तो वो काफी ज्यादा बड़ा बेवकूफ है क्योंकि इसके बाद तो उसे बचाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लुशेंग इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है जो कि इस जगह पर बाहर गार्ड कर रहे होते हैं उन लोगों की तरफ देखने लगता है। वो सभी लोग कहने लगते हैं, बच्चे शायद से तुम गलती से इस जगह पर आ गए हो, जल्दी से निकलो इस जगह से वरना तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारी बॉडी के कितने पीसेस हम लोग कर देंगे। वो इसी बारे में बात करता है। इसी के साथ ही लुशेंग उसके गले को पकड़ लेता है और गले की हड्डी को इस जगह पर तोड़ देता है और कहने लगता है, अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और इसी के साथ ही वो बंदा इसी जगह पर मारा जाता है। ये देखने के बाद तो उसके दोनों साथी भी इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाते हैं, आखिरकार ये कौन है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उनके साथियों को एक ही बार में खत्म कर रहा है। इसी के साथ ही वो लोग अपने वेपन्स को भी उठा लेते हैं, वेपन्स को उठाकर लुशेंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लुशेंग भी अपने स्पेयर को बाहर निकालता है और अपने ब्लड स्पेयर को बाहर निकालकर उन सभी के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और उन सभी के ऊपर इतने फास्टली हमला करता है कि उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि लुशेंग ने कब उनकी बॉडी के ऊपर इतने सारे कट लगा दिए। और लुशेंग आगे की तरफ चला जाता है और कहने लगता है, अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस जगह पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं
तुम लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी एक बंदा इस जगह पर आ जाता है, लुचिंग के पैर पकड़ते हुए बोलने लगता है, बॉस आपको अंदर नहीं जाना चाहिए, अगर तुम अंदर जाते हो तो मारे जाओगे। लुचिंग उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है और बोलने लगता है, तुम्हें इस जगह पर नहीं पता आखिरकार अंदर वालों का हाल भी इसी तरीके का होगा, और उन लोगों को भी जल्द ही मैं तुम लोगों के साथ ही हेल में भेज रहा हूँ। और ये कहने के साथ ही लुचिंग आगे बढ़ जाता है उन लोगों को भी ठिकाने लगाने के लिए और बोलता है, क्या कोई और बचा है इस जगह पर? अगर कोई और बचा है तो उन सभी को मारकर मुझे आगे जाना होगा, क्योंकि सभी लोगों को एलिमिनेट करने का मिशन मेरे पास है। और एक बार ये बाउंटी कंप्लीट हो जाए इसके बाद में मार्शल शेन टावर में जाने वाला हूँ, इसीलिए जल्दी से जल्दी इस बाउंटी को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि उस जगह पर मुझे नहीं पता आखिरकार मेरा नंबर दोबारा कब आएगा। इसी बारे में सोचते हुए लुचिंग इस जगह पर काफी ज्यादा उदास भी हो जाता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं पता था इन सारी चीजों के बारे में, इसीलिए वो इन सारी चीजों को सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, पहले मुझे पता होता इस जगह पर इतने सारे कमजोर लोग है तो मैं इजीली एंट्री करके इन सभी को तबाह कर देता। इसी बारे में बात करते हुए लुचिंग इस जगह पर अपने वेपन को लेते हुए आगे बढ़ने लगता है आगे उनके ठिकाने की तरफ, ताकि वो उस जगह पर भी सभी लोगों को भी एलिमिनेट कर सके। इसी के साथ एक लड़की जिसके रेड कलर के बाल है वो इस जगह पर बोलने लगती है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस बारे में बात करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसी के साथ ही वो बंदा बोलने लगता है, क्या इस जगह पर तुम्हें भी मेरे साथ कुछ लेने देने की बातें करनी है? लेकिन इस जगह पर ये बातें मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं करने वाला। वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी इस जगह पर जो मां क्यों होता है वो बोलने लगता, बकवास करना बंद करो इस जगह पर, मैं तुम लोगों में से किसी को भी 1% हिस्सा नहीं देने वाला अब, इसीलिए अब इस जगह पर बास्टर्ड मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। इसी के साथ ही जो मां क्यों होता है काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, और हम देखते हैं उसकी हालत खराब हो जाती है, वो नीचे की तरफ लेट जाता है, जबकि मागियन कहने लगता है, अब इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या अभी भी इस जगह पर तुम मेरे काम को नहीं करने वाले? अगर तुम्हारा अभी भी इसी तरीके का कोई प्लान है तो इस जगह पर मैं तुम्हें एक ही बार में मार सकता हूँ, इसीलिए बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचना कि तुम्हें मैं नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि जो भी मेरे कंसाइनमेंट और मेरे सामान के रास्ते में आएगा मैं उन सभी को इस जगह पर मार डालूंगा। और वो यही सारी चीजें बोल रहा होता है और कहने लगता है, अब सभी लोग इस जगह से जा सकते हैं। ये सुनने के साथ ही जितने भी लोग दूसरे बंदे के साथ ही होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तभी इस जगह पर एक बंदा एंट्री लेता है और एंट्री लेते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है इस जगह पर ये जो हिस्सा है ये इस जगह पर ब्रदर माग्यून के लिए काफी ज्यादा बड़ा है? नहीं, इस जगह पर ये हिस्सा भी ब्रदर माग्यून के लिए काफी ज्यादा छोटा है, क्योंकि आने वाले टाइम में वो इस जगह पर एक मार्शल मास्टर बनने वाले हैं, और एक मार्शल मास्टर की अचीवमेंट रखने वाले बंदे के लिए ये काफी ज्यादा छोटा हिस्सा है। इसी के साथ ही वो काफी सारी और बातें कर रहा होता है, जबकि इस जगह पर वही लेडी इस जगह पर काफी ज्यादा बुरा भला उसे भी कहने लगती है। लेकिन इसी के साथ ही वो माग्यून की काफी ज्यादा तारीफें करता है, क्योंकि इस जगह पर ये भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे इस जगह पर बाकी असैसिन्स और लोगों को पता चलता है कि माग्यून इस जगह पर जल्दी एक मार्शल मास्टर बनने वाला, इसीलिए वो कहते हैं, हम इस जगह पर तुम्हें अपना हिस्सा देने के लिए तैयार है, तुम इस जगह पर 40% भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, क्योंकि हम लोगों के बीच में अभी तक कोई भी मार्शल मास्टर नहीं है, तुम अगर हमारे साथ होगे तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स है उनसे डील करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा तेजी से माग्यून के पास आ जाता है और बोलने लगता है, ये चीजें इस जगह पर मैंने फ्री में नहीं करी, बल्कि इन चीजों के लिए मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। इसके लिए इस जगह पर माग्यून आसानी से तैयार हो जाता है, क्योंकि माग्यून को भी पता है ये बंदा इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसकी जो पूरी की पूरी फैमिली थी वो इस जगह पर फायर में जलने के कारण मारी गई थी। लेकिन इसके बाद भी ये इस जगह पर 6th level का मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि इस टाइम पर अपने पीक पर है, और इसका सामना मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास फायर एलिमेंट की पावर भी है। इसी बारे में वो बात कर रहा होता है, इसी के साथ ही दरवाजे के ऊपर कोई आने लगता है और इस जगह पर जोर जोर से दरवाजे को पीटने की आवाज आती है, तो ये लोग इस जगह पर कह रहे होते हैं, बॉस हमें क्या करना है? तभी माग्यून इस जगह पर बोलता है, जो भी है इस जगह पर सभी लोगों को एलिमिनेट कर दो। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह से जाने लगता है, क्योंकि अब इस जगह पर जितनी भी मीटिंग थी वो अब दूसरी जगह पर जाकर होने वाली थी। जैसे एक बंदा आगे बढ़ता है उस बंदे को एलिमिनेट करने के लिए, जो कि दरवाजे के ऊपर इतने ज्यादा जोर से नॉक कर रहा है, उसी टाइम पर जो लुचिंग होता है वो जबरदस्त तरीके से उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है और वो बंदा पीछे की तरफ दूर जाकर गिर जाता है। ये देखने के बाद बाकी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, इस जगह पर ये तो एक बच्चा है, शायद से ये इस जगह पर हम लोगों को पकड़वाने के लिए इस जगह पर आया है। और वो यही बात कर रहे होते हैं, जबकि इस जगह पर वो फायर वाला बंदा भी लुचिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, इस बंदे को देखकर मुझे बिल्कुल भी इस जगह पर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसा लगता है अगर इसके साथ मैंने फाइट करी तो मैं पक्का इस जगह पर मारा जाऊंगा। जबकि हम देखते हैं लुचिंग को जो बोल रहा होता है, एक एक कर आ गया, अगर तुम इस जगह पर एक एक कर नहीं आना चाहते तो एक साथ भी आओ, मेरे ऊपर हमला करो, मैं इस जगह पर तुम सभी को एलिमिनेट करने के बाद इस जगह से जाना चाहता हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम लोगों से बहस करने का, इसीलिए जल्दी करो। ये बोलने के बाद जितने भी ये असैसिन और गुंडे होते हैं ये इस जगह पर कौन सा शांत रहने वाले थे, इनको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी के साथ ही एक और 6th level की मार्शल आर्टिस्ट जो कि आगे बढ़ती है और बोलने लगती है, तुमको क्या लगता है लड़के, तुम इस जगह पर हम लोगों से बच सकते हो और इस तरीके से हम लोगों को धमका सकते हो? तुम इस जगह पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इस जगह पर तुम्हें भी मारने वाले हैं। माग्यून भी लुचिंग की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है, इस बच्चे को देखकर अजीब सी फीलिंग आ रही है। जबकि वो लड़की काफी ज्यादा तेजी से लुचिंग की तरफ आगे बढ़ती है उसके ऊपर हमला करने के लिए। जैसे ही उसका अटैक लुचिंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच रहा होता है, वैसे ही लुचिंग अपने स्पेयर से उसकी बॉडी के ऊपर हमला करता है और उसकी बॉडी भी इस जगह पर नहीं बचती उस हमले की वजह से। इसी के साथ ही जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद होते हैं वो कहने लगते हैं, 6th level के मार्शल आर्टिस्ट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय करके रख दिया, आखिरकार कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है और ये इस जगह पर क्या कर रहा है? ये कोई ह्यूमन भी है इस जगह पर, ये तो एक मॉन्स्टर है। इसी के साथ ही जो लुचिंग होता है उनकी तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम लोगों की बारी है, जल्दी से मुझे मारो वरना तुम सभी को एलिमिनेट करकर इसी तरीके से मारा जाएगा। माग्यून कहने लगता है, उसके हाथ में इस जगह पर मास्टर लेवल का वेपन है, इसीलिए वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तुम लोगों को पीछे रहकर उसके ऊपर हमला करना चाहिए, अगर तुम उसके करीब गए तो सभी के सभी मारे जाओगे।
ये सुनने के साथ ही लुशिंग भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि वो लोग तो लुशिंग की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे उसके ऊपर हमला करने के लिए। सभी लोग कहने लगते हैं तुम्हारे हाथ में एक मास्टर लेवल का वेपन है तो तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम हम सभी को मार सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, अब हम लोग इस जगह पर तुम्हें मारने वाले। वो बंदा काफी तेजी से लुशिंग की तरफ आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए कहने लगता है तुम्हारे इस वेपन को बेचने के बाद हम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसीलिए तुमको तो मरना होगा बच्चे इस जगह पर। ये सुनने के साथ ही लुशिंग कहता है ओहो तो तुम इस जगह पर मुझे मारने वाले हो, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो कि तुम मुझे मार सकते हो। और ये कहने के साथ ही लुशिंग अपनी मूवमेंट स्पीड को यूज करते हुए उसके ऊपर भी एक हमला करता है और हम देखते हैं उसके साथ जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है इस जगह पर इतनी ही पावर है तुम लोगों के पास, तुम लोग मुझे टच भी नहीं कर सकते और तुम इस जगह पर मुझे एलिमिनेट करने के बारे में बात कर रहे हो। सारे के सारे असैसिन अब इस जगह पर डर जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो इस जगह पर कोई भी ह्यूमन नहीं हो सकता, ये तो एक मॉन्स्टर है, इस जगह पर हम लोग इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि एक लेवल 6 के मास्टर आर्टिस्ट को मारना इसके लिए इतना ज्यादा आसान है तो हम लोगों को मारना कितना ज्यादा आसान होगा। लुशिंग उन सभी से कहता है जल्दी से फाइट को ज्वाइन करो और जल्दी से इस जगह पर आओ मेरा सामना करने के लिए, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम सभी का मरना निश्चित है। और ये कहने के बाद ही लुशिंग इस जगह पर अपनी फास्ट मूवमेंट को यूज करते हुए उन सभी लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लुशिंग की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग इस जगह पर लुशिंग के बारे में पता भी नहीं लगा पा रहे होते कब लुशिंग उनके ऊपर हमला कर रहा है, जबकि हम देखते हैं फायर एलिमेंट को कंट्रोल करने वाला बंदा इस जगह से भागते हुए कहता है अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें इस जगह पर क्रश करके रख दूंगा। लुशिंग बोलता है लेकिन अगली बार का तुम्हें मौका ही कौन देने वाला, इसी जगह पर मैं इसी बार तुम्हें खत्म करने वाला। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो स्माइल करने लगता है और कहता है मैं इस जगह से भाग रहा था, सॉरी बच्चे इस जगह पर शायद से तुम्हें छोटी मोटी ट्रिक्स के बारे में नहीं पता है। और इसी के साथ ही वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर फायर ले आता है और कहने लगता है अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, और लुशिंग के ऊपर भी अपने फायर से अटैक कर देता है और इतनी ज्यादा पावरफुल फायर को क्रिएट करता है कि कोई भी इस जगह पर जो ह्यूमन है वो इस फायर के अंदर मारा जाए। लेकिन हम देखते हैं जो लुशिंग होता है वो कहने लगता है क्या तुम्हें सही में लगता है इस फायर के बाद मैं मारा जाऊंगा, और तभी हम देखते हैं वो इस जगह पर हंसने लगता है और कहता है यहाँ पर वो मारा गया, मैंने उसे इस जगह पर एक ही बार में खत्म कर दिया। लुशिंग की आवाज आती है तुम इसे इस जगह पर स्ट्रॉन्ग फायर कहते हो, लेकिन इस जगह पर अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ आखिरकार रियर फायर क्या होती है। और इसी के साथ ही अब लुशिंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है अब इस जगह पर तुम्हारी मौत के साथ ही तुम्हें दिखाई देगी रियल फायर एलिमेंट की पावर। लुशिंग इसी के बाद ही अपने की उंगली के जरिए उसकी तरफ फायर को भेजता है और हम देखते हैं लुशिंग की जो फायर होती है काफी ज्यादा तेजी से उसकी बॉडी की तरफ आगे बढ़ती है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी को कवर करने लगती है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी जलना स्टार्ट हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लुशिंग की फायर का कलर चेंज हो चुका था जो कि अब पर्पल है। और इतनी सारी चीजों को देखने के बाद और इसी के साथ 100% मिशन को कंप्लीट कर दिया है। ये सुनने के साथ ही वो दोनों भी हैरान होते हैं और एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं ये इस जगह पर कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो सकता, बल्कि ये तो एक मॉन्स्टर है जो कि इस जगह पर किंग है सभी मॉन्स्टर का। ये कहने के साथ ही हमें एक येलो कलर की गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें लुशिंग अंदर आकर बैठ चुका होता है और कहने लगता है चलो ठीक है आखिरकार अब हम लोग कम निकलने वाले इस जगह से। तभी उसके फोन में इस जगह पर रिंग होने लगती है, लुशिंग भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है अब इस जगह पर क्या हुआ। तभी उसको एक मैसेज आता है जो कि फैटी की तरफ से होता है, इस जगह पर उसने मैसेज लिखा होता है ब्रदर आखिरकार तुम कहां हो, हमारे मार्शल शेन टावर के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है, तुम्हें जल्दी वापस आना होगा। इसी के साथ ही लुशिंग भी उस टैक्सी में बैठकर वापस आ जाता है और इस जगह पर आने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर से बात करने के साथ ही अंदर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है इस जगह पर फैटी ने जैसे कि मुझे बताया था उसी तरीके से अगर चीजें चल रही होंगी तो मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अभी मैंने इस जगह पर जो मेरा ड्रैगन स्पेयर था उसके साथ अपने कॉम्बिनेशन को काफी ज्यादा अच्छा कर लिया है और मुझे ऐसा लगता है थोड़े ही टाइम में मैं अपने स्पेयर सेंस को भी एक्टिवेट कर लूंगा। फैटी इस जगह पर आ जाता है, फैटी इस जगह पर आने के बाद बोलता है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं आखिरकार इतने टाइम से तुम कहां थे। तभी लुशिंग इस जगह पर बताने लगता है उसने इस जगह पर काफी सारे असैसिन को मार डाला। ये सुनने के साथ ही फैटी पीछे की तरफ चला जाता है, लुशिंग कहता है मुझे एक लड़के के सामने इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थी, मैं सही में एक बेवकूफ हूं। इसी बारे में बात करते हुए अब लुशिंग इस बात को टालने की कोशिश करता है, यानी कि इस बात को इस जगह पर दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इसी के साथ ही जो फैटी होता है वो इस जगह पर चमकती हुई आंखों से लुशिंग की तरफ देखता है और कहता है यानी कि तुमने इस जगह पर काफी सारे बुरे लोगों को मारा, मैं भी जल्द ही इसी तरीके का कोई मिशन चूज करूंगा और उसमें इन सारे के सारे बुरे लोगों को मार कर आऊंगा। ये सुनने के बाद तो लुशिंग हैरान हो जाता है और कहने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था उससे ये पूरी तरीके से अलग है। इसी के साथ ही फैटी और लुशिंग इस जगह पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी इस जगह पर कुछ लोग बातें करने लगते हैं, इस जगह पर काफी ज्यादा बुरा हुआ है क्योंकि इस जगह पर हमारे सेंट टावर की रैंकिंग में सेकंड नंबर पर था, उसकी रैंकिंग को इस जगह पर छीन लिया गया है और जल्दी से उस जगह पर चलो टावर की प्रोटेक्शन करने के लिए। और हम देखते हैं वो इस जगह से निकल जाता है। ये देखने के साथ ही जो फैटी होता है वो कहने लगता है हाँ काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ हुई है, हमारे टावर के ऊपर हमला कर दिया गया है, लुशिंग को इसके बारे में नहीं पता होता। तभी इस जगह पर फैटी बताने लगता है जो दूसरी एकेडमीज है वो अपने टैलेंटेड स्टूडेंट को किसी भी एकेडमी में भेजकर उस जगह के टावर को चैलेंज कर सकते हैं, अगर इस जगह पर उनका स्टूडेंट टावर चैलेंज को जीत जाता है तो इस जगह पर जो उनका टावर है वो इस जगह पर छीन लिया जाएगा, जबकि इस जगह पर जो स्टेंट रैंकिंग है उसमें हमारी एकेडमी से कोई भी बंदा नहीं है इस टाइम पर, यहाँ तक कि जो हमारा सीनियर चेन है वो भी इस जगह पर उस सेंट रैंकिंग में 13 नंबर पर है। इसीलिए हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन है और इस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता हमारी एकेडमी कुछ कर पाएगी और हम लोग अब जल्द ही इस टावर को
खो देंगे। और इसके बाद हम लोगों का नंबर काफी लंबे टाइम बाद आने वाला है, लगभग एक साल बाद ही हम लोगों को नंबर मिल पाएगा इस टावर में जाने का। पहले तो लूशेंग को इस जगह पर कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होती और ना ही वो फैटी की सही बातों को सारी तरीके से सुन रहा होता है, लेकिन जैसे इस जगह पर फैटी बोलता है अब हम लोगों के लिए उस टावर में जाना नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्थ एकेडमी का कब्जा होने वाला है। ये सुनने के साथ ही लूशेंग की तो हवाई उड़ जाती है, क्योंकि अभी तक वो मार्शल शेन टावर में एक बार भी नहीं गया। इसी के साथ ही वो फैटी के पास आ जाता है और कहने लगता है, तुमने क्या कहा, अगर दूसरी एकेडमी वाले हमारे टावर को जीत गए तो उसके बाद एक साल तक हम लोगों को इस टावर में जाने का मौका नहीं मिलेगा। और कहने के साथ ही लूशेंग काफी तेजी से इस जगह से निकल जाते हैं और कहने लगता है, तो चलो इस जगह पर हम लोगों को भी जल्दी से टावर की प्रोटेक्शन करने के लिए चलना चाहिए। ये सुनने के साथ ही फैटी कहता है, तुम कहां जा रहे हो। तभी इस जगह पर लूशेंग कहने लगता है, मैं इस जगह पर टावर को प्रोटेक्ट करने जा रहा हूं। ये सुनने के साथ ही फैटी खुश हो जाता है और कहने लगता है, शायद से अब इस जगह पर हमारा टावर बच सकता है या फिर ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिससे इस जगह पर हमारे टावर की प्रोटेक्शन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है मार्शल शेन टावर के बाहर का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर काफी सारे स्टूडेंट इन्हीं सारे रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे होते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट इस जगह पर मार्शल शेन एकेडमी की बेइज्जती कर रहे होते हैं सेवंथ वाली, और ये भी कह रहे होते हैं कि ये काफी ज्यादा कमजोर है, बस इस जगह पर ये लोग दिखावा कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसी के साथ ही इन लोगों को कोई बाहर आता हुआ दिखाई देता है और हम देखते हैं जो इस जगह पर चेन की गर्लफ्रेंड होती है, फिर उसकी दोस्त काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है चेन को संभालने के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो चुका था। वो चेन से कहने लगती है, तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने इस जगह पर अपना बेस्ट दिया है। जबकि हम स्टूडेंट को देखते हैं, वो कहने लगते हैं, इस जगह पर अब तो चेन भी बाहर आ चुका है, अब हम लोगों का कोई भी चांस नहीं है, अब हम लोग हारने वाले हैं। इसी के साथ ही रैंकिंग का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर मिया और रेनेक्सियान इस जगह पर 21 फ्लोर तक पहुंच चुका होता है, जबकि इस जगह पर जो चेन है वो खाली 20 फ्लोर तक ही पहुंचा है। और इसी के साथ ही अब पूरी की पूरी रैंकिंग चेंज हो चुकी थी, अब इन लोगों को पता था ये लोग अपने टावर की प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे। चेन इसी के साथ ही कहने लगता है, ये एक सेंट रैंकिंग के बंदे की पावर है और इसका सामना मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कैपेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आखिरकार मेरे साथ ऐसी गलती कैसे हो सकती है, मैं इस जगह पर लंबे टाइम से इस सेंट टावर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसके बावजूद एक बाहरी बंदा हमारे मार्शल शेन टावर में आने के बाद हमसे अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर सकता है। सीन दिखाते कुछ और लड़कों का जो कि इस जगह पर इस सेंट एकेडमी से है या फिर नहीं, इसके बारे में तो नहीं बताया जाता, लेकिन ये सेवंथ मार्शल शेन एकेडमी की बेइज्जती कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं, इस जगह पर सारे के सारे कचरे हैं। लेकिन तभी किसी की मेंटल एनर्जी इन लोगों के करीब आ जाती है, ये देखने के बाद तो ये लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, इन लोगों की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। ये लोग कहते हैं, आखिरकार इस जगह पर अब कौन आ रहा है, क्योंकि इस जगह पर इस टावर की प्रोटेक्शन करना चाहता है, ये एनर्जी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो रास्ता इस जगह पर बना होता है वो और किसी के लिए नहीं, लूशेंग के लिए था। लूशेंग इस जगह पर आगे बढ़ने लगता है मार्शल शेन टावर की प्रोटेक्शन करने के लिए। सभी लोग कहने लगते हैं, अब एक न्यूबी इस जगह पर मार्शल शेन टावर की प्रोटेक्शन करने वाला है, ये तो इस जगह पर इस बार की ड्रैगन लिस्ट का चैंपियन है, आखिरकार ये इस जगह पर क्या कर रहा है, क्या अब ये भी इस जगह पर इस टावर को प्रोटेक्ट करने वाला है। लेकिन इसके लिए ये नामुमकिन है। इस जगह पर जो लोग इस जगह पर लूशेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं वो ये भी कहते हैं कि इसने इस जगह पर पूरे के पूरे न्यू ग्रुप को डोमिनेट करके रखा है, इसीलिए इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। जबकि हम कुछ और लड़कों को देखते हैं जो कि लूशेंग की बेइज्जती कर रहे होते हैं और बोलते हैं, लड़के तुम्हें इस जगह पर अभी इस टावर के अंदर नहीं जाना चाहिए, लगभग लगभग तुम लोगों से एक साल के अंदर तो ये टावर छीन ही चुका है, इसीलिए अब इसके बारे में भूल जाओ। लूशेंग आगे बढ़ता है और इस जगह पर असिस्टेंट से बात करते हुए कहता है, अब इस जगह पर ये टावर खाली है, मुझे लगता है कोई भी लाइन में मुझे नहीं लगना पड़ेगा, इसीलिए मैं अंदर जाना चाहता हूँ। वो लड़की भी लूशेंग को इस जगह पर देखकर हैरान होती है और बोलने लगती है, तुम भी इस जगह पर टावर की प्रोटेक्शन करना चाहती हो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस बार जो हमारा ये टावर ये बच पाएगा। ये कहने के साथ ही वो लूशेंग को भी अंदर जाने देती है और कहती है, अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन करना हमारे टावर की, मैं नहीं चाहती कि हमारा टावर कोई दूसरी मार्शल एकेडमी वाले छीन ले। लूशेंग बोलने लगता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस जगह पर मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं इन सारी चीजों को जरूर करूंगा, और तुरंत ही अपनी एनर्जी को भी रिलीज करता है चारों तरफ। इसी के साथ ही वापस हमें उस लाल कपड़ों वाली लड़की का सीन दिखाते हैं जिसका नाम हमें अभी तक नहीं बताया गया। वो इस जगह पर अपने दोस्तों से पूछ रही होती है, आखिरकार वो लड़का कहाँ है जिसके बारे में मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था, क्या वो इस जगह पर आ रहा है। तभी इस जगह पर उसके दोस्त बताते हैं कि वो इस जगह पर इस टाइम पर तो मौजूद नहीं है, वो एक डबल रैंक के मिशन को कंप्लीट करने के लिए गया हुआ, इसीलिए उसका इस जगह पर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सुनने के साथ ही वो लाल कपड़ों वाली लड़की वापस इस जगह पर रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है, यानी कि अब इस जगह पर हम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता, अब हम लोग इस जगह पर हारने वाले। इसी के साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो कहने लगती है, शायद तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पहले से ही काफी सारे लोग उस जगह पर जा चुके हैं जिनमें से लूशेंग भी शामिल है। और यही बात कहने के साथ ही जो वो दूसरी लड़की होती है वो इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है, मुझे बताओ अभी तुमने इस जगह पर क्या कहा। तभी वो कहती है, मैंने कहा था लूशेंग भी उस जगह पर गया हुआ है इस टावर को प्रोटेक्ट करने के लिए, काफी सारे और लोग भी हैं। ये सुनने के साथ ही रेड हेयर गर्ल कहने लगती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। इसी के साथ ही वो लड़की कहती है, तुम लिस्ट में लूशेंग के नाम को भी देख सकती हो, वो भी इस जगह पर 20 रैंकिंग में आ चुका है। ये सुनने के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, अब लूशेंग भी उस जगह पर चला गया है, यानी कि अब हम लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लूशेंग जो है वो इन सारी की सारी सिचुएशन को बहुत ज्यादा इजीली हैंडल कर सकता है, और शायद से अब हमारा मार्शल शेन टावर बच जाएगा। और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, जबकि दूसरी लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार लूशेंग के उस जगह पर जाने में इतनी ज्यादा खुशी की क्या बात है, क्योंकि वो तो अभी भी एक न्यूबी है और ज्यादा से ज्यादा लूशेंग कुछ भी नहीं कर सकता उस जगह पर जाकर, यही उस लड़की को लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, लूशेंग को दिखाते हैं, लूशेंग जैसी उस रूम के अंदर आता है, उस जगह पर आने के बाद उसे एक वीआर सेट मिलता है। लूशेंग ये कहने लगता है, ये तो इस जगह पर एक गेम की तरह लग रहा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। इसी के साथ ही लूशेंग इस जगह पर उस वीआर सेट को पहन
पहन लेता है और उस चेयर के ऊपर बैठ जाता है तो बोलने लगता है। ये चीजें तो एकदम एक गेम की तरह है, लेकिन इसी के साथ ही वो एक अलग ही वर्ल्ड में आ जाता है, जैसे कि उसका एक ड्रीम वर्ल्ड था। लू शेंग कहने लगता है ये जगह एकदम मेरे ड्रीम वर्ल्ड की तरह है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये उससे इतनी ज्यादा सिमिलर क्यों है, लेकिन ये जगह काफी ज्यादा कमजोर है मेरे ड्रीम वर्ल्ड के मुकाबले। इसी बार में लू शेंग बात ही कर रहा होता है, इसी के साथ ही इस जगह पर उसके सामने एक सोल अपीयर होती है जो कि मार्शल शेंट की होती है। लू शेंग कहने लगता है तो इस जगह पर मुझे क्या करना है, मुझे तो इस जगह पर आने के बाद कुछ भी नहीं पता आखिरकार क्या करना होता है, क्योंकि लू शेंग तो पहली बार इस जगह पर आ रहा है इसीलिए उसे कुछ भी नहीं पता था। वो कहने लगता है चलो ठीक है, अगर मुझे इस जगह से इनहेरिटेंस की पावर मिल जाती है तो ये सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही जो मार्शल शेंट होता है वो लू शेंग के सामने होता है और उसके सामने अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, और इस टाइम पर मार्शल शेंट की बॉडी एक 12 साल के बच्ची की तरह होती है और ये इस जगह पर एक लेवल 6 के पीक लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। और हम देख पाते हैं जैसे ये पंच इस जगह पर उस मार्शल शेंट को लगता है वो इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ जाने लगता है। पीछे की तरफ जाते हुए उसकी पूरी की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी लू शेंग को इस जगह पर कुछ अलग तरीके की फीलिंग होने लगती है, उसकी बॉडी से जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बाहर निकलकर उस मार्शल शेंट की बॉडी के अंदर जा रही होती है। लू शेंग कहने लगता है ये तो इस जगह पर अपने आप को वापस से ठीक कर रहा है और पहले से ज्यादा स्ट्रांग भी हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है इस जगह पर सारी की सारी चीजें मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू होने वाली है, और इस टाइम पर ये 20 साल का होता है और इसके पास लेवल 5 के मार्शल आर्टिस्ट की जितनी पावर है। अब लू शेंग इस जगह पर धीरे धीरे कर समझने लग गया था आखिरकार मार्शल शेंट टावर किस तरीके से वर्क करता है। तभी इस जगह पर जो मार्शल शेंट का वो छोटा सा वर्जन होता है काफी ज्यादा तेजी से लू शेंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, और अपनी फुल पावर के साथ लू शेंग के ऊपर हमला करता है। तभी लू शेंग उसको अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और कहने लगता है तुम इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रांग अभी भी नहीं हो कि तुम मेरा सामना कर सको। और लू शेंग भी बदले में उसे एक जबरदस्त किक मारता है और ये कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि उसकी बॉडी वापस से इस जगह पर टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। जिसके बाद लू शेंग बोलने लगता है जितने भी बार मैं इसी तरीके के टुकड़ों में कन्वर्ट करता हूँ उतने ही बार इसकी बॉडी वापस से रिवाइव हो जाती है और ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कर कम होने लगती है। मुझे ऐसा लगता है इस जगह का जो ट्रायल है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ ही लू शेंग अपने नेक्स्ट अपोनेंट की तरफ देखने लगता है जो कि इस जगह पर वापस से मार्शल शेंट का एक और वर्जन होता है जिसके साथ उसे फाइट करनी थी, लेकिन इस बार भी मार्शल शेंट इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। वो अपने 6 लेवल के स्टार्टिंग लेवल पर होता है और इसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। तभी लू शेंग कहने लगता है अब मुझे पता चला ये मार्शल शेंट टावर इतने टाइम से किस तरीके से चलाया जा रहा है। हम लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू इस जगह पर जो मार्शल शेंट की पुरानी मेमोरीज है उनको रिवाइव किया जाता है, उनको हमारे सामने लाया जाता है और हमसे फाइट करवाई जाती है। अब मैं धीरे धीरे कर समझ रहा हूँ ये सिमिलर है इस जगह पर मेरे ड्रीम वर्ल्ड से, लेकिन इस जगह पर जितने भी बाकी मार्शल शेंट टावर है वो हमारे मार्शल शेंट टावर के मुकाबले वो बहुत ज्यादा पुराने हैं, और इसी के साथ ही वहां पर जो मार्शल शेंट की विल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है हमारे मार्शल शेंट की विल के मुकाबले। इसीलिए जो हमारे स्टूडेंट है वो इतने जल्दी इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, जबकि हमारा मार्शल शेंट टावर नया होने की वजह से हम लोगों को थोड़ा डिसएडवांटेज का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन इस जगह पर ये भी मजेदार है क्योंकि जो हमारा मार्शल शेंट है वो दूसरों के मार्शल शेंट के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था जल्दी से जल्दी, और इसी के साथ ही और भी लू शेंग काफी सारी बातें बताता है मार्शल शेंट के बारे में 7th एकेडमी के, और इसी के साथ ही बोलने लगता है मुझे इनके बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ ही वापस इस जगह पर फाइट स्टार्ट हो जाती है जिस जगह पर वो अभी भी मार्शल शेंट से फाइट कर रहा होता है, और इस टाइम पर वो अपने 6 लेवल पर है और इस बिना वेपन के लू शेंग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। दोनों के बीच में काफी अच्छी फाइट होती है क्योंकि दोनों ही 6 लेवल पर है, लेकिन लू शेंग का पावर लेवल अभी भी ज्यादा होता है क्योंकि वो इस टाइम पर 6 लेवल के पीक पर है और वैसे भी उसकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के मुकाबले काफी ज्यादा है। लू शेंग बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मार्शल शेंट की बॉडी को वापस से चकनाचूर कर देता है और कहने लगता है तुम इस जगह पर सिमिलर हो मेरे ड्रीम वर्ल्ड से, लेकिन अगर मेरे ड्रीम वर्ल्ड को भी इसी तरीके से क्रिएट किया गया है तो मुझे ऐसा लगता है काफी सारे मार्शल शेंट काफी सारे मार्शल गॉड की पावर को उसके अंदर डाला गया होगा तभी इस जगह पर उस चीज को बनाया गया है, वरना इतना आसान नहीं है किसी इस तरीके के वर्ल्ड को क्रिएट करना। इस बारे में लू शेंग बात कर रहा होता है तभी सामने की तरफ से काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स आने लगता है क्योंकि वो मार्शल शेंट अब वापस रिवाइव हो चुका था और उसके हाथ में इस बार स्वॉर्ड होती है क्योंकि वो इस टाइम पर अपनी यंगर एज में था जिस टाइम पर उसने स्वॉर्ड मार्शल आर्ट को धीरे धीरे कर प्रैक्टिस करना सीख लिया था। लू शेंग बोलने लगता है अगर मुझे भी इस जगह पर अपने वेपन को यूज करना पड़ा तो मैं भी जरूर अपने वेपन को यूज करूंगा, लेकिन 7th एकेडमी के मार्शल शेंट टावर को इस जगह से जाने देना मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। लेकिन हम देखते हैं इस जगह पर जो फाइट चल रही होती है वो दोनों के बीच में बराबर लेवल पर थी और दोनों ही बराबर स्ट्रांग होते हैं, लेकिन लू शेंग इस जगह पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जिस वजह से वो इजिली बीट कर देता है मार्शल शेंट को और कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर अपने प्राइम फॉर्म में अगर मुझसे फाइट करनी होगी तभी तुम इस जगह पर जीत सकते हो। लू शेंग के लिए ये लेवल्स काफी ज्यादा आसान होते हैं क्योंकि इस टाइम तक जो मार्शल शेंट थे वो लेवल 6 पर ही थे और इस जगह पर जो लू शेंग है उसने फाइट कर रखी है मार्शल मास्टर से भी, और लू शेंग के पास काबिलियत है काफी सारे एलिमेंट को यूज करने की। इसी के साथ ही हम मार्शल शेंट को देखते हैं जो कि इस जगह पर अपने 30s के वर्जन में होता है और इस टाइम पर उसने स्वॉर्ड मार्शल आर्ट को पूरे तरीके से मास्टर कर लिया था। लू शेंग बोलने लगता है अब इस जगह पर कुछ चीज अमेजिंग होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है अब मुझे कोई ऐसा अपोनेंट मिला जो कि इस जगह पर मेरे टक्कर का है, वरना अभी तक कोई भी मेरे टक्कर का अपोनेंट मुझे नहीं मिला था। लू शेंग इसी बारे में बात कर रहा होता है और तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए, और दोनों के बीच में यह फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डेडली मूव्स का यूज करेंगे। और इसी के साथ ही ये सीन इसी जगह पर कट हो जाता है, बाहर का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर मार्शल शेंट रैंकिंग में काफी सारी अलग अलग चीजें चल रही होती है और इस जगह पर जो
मियाओ रेनेक्सियान होता है वो इस टाइम पर 22 फ्लोर पर पहुंच चुका था। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और डरे हुए भी होते हैं क्योंकि उनका मास्टर चेन टावर उनसे छिनने वाला था। चेन बोलने लगता है, मैं अभी तक खाली 20 फ्लोर पर पहुंच पाया हूं। वो पहली बार में ही 22 फ्लोर पर पहुंच गया है इस जगह पर। ये सारी चीजें मेरी नाकामयाबी की वजह से हो रही है। वो सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहा होता है और डिप्रेस होने लगता है धीरे धीरे करके। तभी उसकी दोस्त इस जगह पर आ जाती है और कहने लगती है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है और मुझे नहीं लगता मियाओ रेनेक्सियान इस फ्लोर से आगे जा पाएगा क्योंकि ये फ्लोर काफी ज्यादा टफ है। और इसी के बाद ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या लुशेंग इस जगह पर अपने मास्टर शेन टावर को बचा पाता है, क्या वो इस जगह पर मियाओ रेनेक्सियान को डिफीट कर पाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय गाइस।